का इंसाफ है? क्या मैं किसी का खाकर बैठ गया हूँ जो ये लोग चिल्ला रहे कंगाल कहीं के साले? हाँ जाओ यहाँ से भागो। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर? तो क्या वो जगह उनकी नहीं है? मेरे मुंह पर चाटा मारने के हिसाब से पूछ रहे तो बताना मुश्किल है। मैंने जब राजनीति में पहला कदम रखा था तब वोट पाने के लिए सरकार की जगह को कब्जा करके अपना घर बना लिया था। उसके बाद मैं सेंट्रल मिनिस्टर बनकर दिल्ली चला गया। इस बीच उस जगह की कीमत करोड़ों में हो गई है। चील की नजर जैसे चूहे पर पड़ती है उसी तरह ठाकुर की नजर उस जगह पर पड़ी और स्वामी की जगह मुझे चाहिए बोल रहा है। अरे अपना होम मिनिस्टर है ना, ठाकुर को जगह देने की बात कर रहा है। दिल्ली जा जाकर थक गया हूँ। देखते ही देखते ये प्रॉब्लम हो गया है। इसके बारे में हमें दारू पी के सोचना होगा। अरे पहले उन लोगों को हटाओ तब तो उसके बारे में सोच सकते हैं। अब अपनी लाठी चलाओ। लाठी चलाने के लिए कम से कम उनको आपके घर के शीशे तोड़ने चाहिए। उसके बिना हम उनका सर नहीं फोड़ सकते। बस इतना ही। नाम क्या है रे? बैनर्जी, इन दो महीनों में हमारा मिलना ये 13वीं बार है। आप हमेशा पूछते हैं, मैं बताता ही जा रहा हूँ। इलेक्शन का टाइम पर तो हमारे घर का नाम याद रहता है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं हमारी परेशानियों के साथ। देखो मुझे सब कुछ याद रहता है। वैसे भी तुम सबको जो जगह मिली है वो सरकारी है, फिर भी सरकार विचार करके तुम सबको नई जगह देने वाली है, समझे कि नहीं? आप पुरानी बातें भूल गए हैं लगता है। 15 साल पहले सिटी का सारा कचरा वहां फेंका जाता था। उस जगह पर सांप और बिच्छू घूमा करते थे। आपको वोट पाने के लिए आपने वो जगह हमें कम दाम पर बेचकर घर बनाने वाले आप ही हैं। आज जब दाम बढ़ गया है तो उस पर आपकी नजर गड़ गई है। अपने स्वार्थ के लिए हमें खाली करने को कहोगे? वो नहीं हो सकता। खाना देने के बाद पानी गिलास में दीजिए, सर थाली में नहीं। आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सरकार उस जगह की इंक्वायरी करना चाहती है। सरकार इंक्वायरी नहीं करेगी। आपके द्वारा वो ठाकुर कब्जा करना चाहता है, वहाँ फ्लैट बनाकर करोड़ों कमाना चाहता है। वो आपकी कमाने की जगह हो सकती है लेकिन वो हमारे लिए खाना देने वाली माँ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम वो जगह खाली नहीं करा सकते। क्यों इस मैटर को राजनीति रंग दे रहे हो? आपके जैसी गुंडागर्दी नहीं कर सकता, इसीलिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला लगता है। मेरी जबान ज्यादा नहीं चल रही है, आपकी पुलिस ही आकर गुंडागर्दी कर रही है। क्या है ये सब? आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? वो जगह हमारी है, उसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करके ये मामला सरकार तक लेकर जाएंगे हम। चलो। सरकार उस जगह की इंक्वायरी कराना चाहती है। कुछ नहीं हो सकता, ठाकुर जी से मिलना ही होगा। आप जाकर दिल्ली में बैठकर घूस खाने की सोच रहे हो तो यहाँ पर यूपी बिहार और राजस्थान को अपनी उंगलियों पर नाच नचाने वाला ठाकुर देखना क्या कमाल करता है। लेकिन वो कहाँ पर है? चलो दिखाता हूँ। आहा देखो, वो देखो उनका छोटा भाई। आदमी को आदमी से मरवाता है, खून देकर खुश होता है, जीतने वाले को इनाम देता है और उन्हें अपना बनाता है। आहा वो देखो आ रहे हैं ठाकुर साहब। आदमी से मरवाते हैं, खून देकर खुशी से हंसते हैं, जीतने वाले को अपने पास बुलाकर इनाम देते हैं और उन्हें अपना बनाते हैं। नमस्ते ठाकुर। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार भाई लोगों, कॉलोनी का मामला क्या हुआ? आपके लिए मिनिस्टर जी ने उन्हें डराया धमकाया लेकिन वो बैनर्जी झुकने वाला नहीं लगता है। डायबिटी नहीं, जीजा जी को झुकाना आता है। रे क्या बक रहा है तू? हाँ बकवास नहीं कर रहा हूँ, सची तो कह रहा हूँ। पुलिस और नेता जीजाजी के दो हाथ हैं, वही कुछ काम नहीं आएंगे, किसी को झुकाएंगे नहीं तो और क्या होगा। इस तरह बात करते हैं, कौन है तू? तुझे राव से मिलाकर एक ही मुक्के से मार दूंगा। ठाकुर साहब आप एक बार हाँ बोल दो, मैं इसको इसकी बहन के पास ही पहुँचा देता हूँ। मैं जीजाजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जब तक जिंदा हूँ जीजाजी के चरणों में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, ऐसा मैंने अपनी मरीज बहन को वचन दिया था, है ना जीजाजी? मुंह बंद कर। वो अब कहाँ पर है? अरे क्या बताना है जी, बनर्जी भूख हड़ताल करने की धमकी दे रहा है घर पर आकर। वो अब कहाँ पर है? भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है जी? तो फिर क्या करूँ? सबके साथ जो होगा वही हमारा होगा, उसके लिए आपको नेता बनने की क्या जरूरत है?
नेतागिरी नहीं गालती, वैसे भी किसी न किसी को आगे आना ही था। पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है या डर लग रहा है? हाँ, डर सा लग रहा है। मालती, इस दुनिया में मुझे इस दुनिया से क्या काम है? मेरी सारी दुनिया आप ही है। मेरे मन में तो आप ही की चिंता रहती है। हम सबकी चिंता तो ऊपर वाला हमारा भगवान करता है। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। अगर मुझे कुछ होगा तो वो ऊपर वाला खामोश नहीं रहेगा। बदला कैसे लेना है वो अच्छी तरह जानता है। ये लो, वहाँ मेरे लिए सब वेट कर रहे होंगे। ये सामान ले जाकर अंदर रख कर कुछ भरपेट खा लेना, समझी? ये शिवरात्रि का उपवास नहीं है, भूख हड़ताल है। ओके। जी वो नहीं भाई, ये क्या है? आज हनुमान जयंती है ना जी, इसलिए ले जा रहा हूँ। उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बाजार में इतनी गंदगी क्यों है? पंचायत वालों की त्योहार की छुट्टी है ना, इसलिए झाड़ू लगाने कोई नहीं आया जी। तो क्या वो जब तक नहीं आएंगे बाजार ऐसे ही रहेगा क्या? वही बात हुई ना जी। ये झाड़ू लगा रही है। बाबूजी आप हटिए, मैं करता हूँ। देखा ना, रोड कितना साफ हो गया। कोई पंचायत वाला नहीं आया ये सोचकर इस कचरे में जियोगे क्या? अपने घर में झाड़ू लगाए बिना ऐसे ही रहोगे क्या? अपना काम खुद करने में भी तू-तू मैं-मैं करना अच्छा है क्या? गांधी जी उन दिनों हरजनवाड़ा में जाकर उनकी गलियां साफ किया करते थे, किस लिए? अपना घर खुद साफ करना चाहिए ये बताने के लिए। उस महान आदमी के साथ घूमने वाला मैं आप लोगों को बदल नहीं पा रहा हूँ। गांधी का मतलब ही सफाई है, गांधी का मतलब ही सच है, गांधी का मतलब ही शिव है, और गांधी का मतलब ही सुंदर है। गांधी जी का नाम लो तो गोरे भाग जाते थे, लेकिन ये काले क्यों भाग गए? अरे अरे, पाठशाला में नहीं जाकर यहाँ क्या कर रहे हो? बचपन में लाल बहादुर शास्त्री जी अपने गांव की नदी तैर कर पाठशाला जाते थे, जानते हो? हमारी पाठशाला तो यही है, फिर तैरने की क्या जरूरत है? बदमाश कहीं के, केवल बात बनाना जानते हो तुम लोग, जाओ यहाँ से। आजकल के बच्चों के मुंह लगना आसान नहीं है। नमस्ते साहब जी। नमस्कार, नमस्कार। वो स्कूल रोड बनाने के मामले में। अच्छा याद दिलाया, म्युनिसिपल कमिश्नर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर ताम्र पत्र पाने वाला शिव रामा कृष्णन जी ने आप लोगों को भेजा है, ऐसा कहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। हनुमान जी का भगवान जी का नाम तू कर ले कुछ तो भलाई का, धर्म सच्चाई का काम तू, कृपा रहे उस पर
बजरंग बली की, सच के रास्ते पे जो भी चला, शक्ति है साथ उसके हनुमान जी की, जो सबकी मदद करने चला। जपले जपले हनुमान जी का, भगवान जी का नाम तू, कर ले कुछ तो भलाई का, धर्म सच्चाई का काम तू। सच से ना डोलो, आदर करो बड़ों का सदा, गुस्सा ना करो, झगड़े से बचो, मिलके रहो सब साथ सदा। खतरों से भी तू ना डरना जरा, दुख में भी तू हाँ सदा मुस्कुरा, खतरों से भी तू ना डरना जरा, दुख में भी तू हाँ सदा मुस्कुरा। जीवन की जंग ये जीता है वो ही, मुश्किल से जो है ना डरा, मेहनत से रिश्ता जोड़े रहा, जो इंसान है बस वो ही खरा। हे मन की चिंता किए बिना ही, करते ही जाना तू ये कर्म, रक्षा तू करना इंसानियत की, यही तो बस है तेरा धर्म। सबके आता है जो, कहते हैं इंसान बस उसको ही, अच्छा सोचो अच्छा करो, दिल जो कहे करना वही है। दूजों की खातिर जो है जिया, उसने ही बस ये जीवन जिया, दूजों की खातिर जो है जिया, उसने ही बस ये जीवन जिया। गैरों के भी आना तू काम, खुशियां ही सबको दे सदा, संकट में करना याद हनुमान, काम बनेगा तेरा सदा। हे जपले जपले हनुमान जी का, भगवान जी का नाम तू, कर ले कुछ तो भलाई का, धर्म सच्चाई का काम तू, कृपा रहे उस पे बजरंग बली की, सच के रास्ते पे जो भी चला, शक्ति है साथ उसके हनुमान जी की, जो सबकी मदद करने चला। जपले जपले हनुमान जी का, भगवान जी का नाम तू, कर ले कुछ तो भलाई का, धर्म सच्चाई का काम तू। बाबूजी भरत, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मेरी दवाई का उन पर कुछ असर नहीं हो रहा है, उन्हें तुरंत हैदराबाद ले जाकर वहाँ किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ। तुम्हारा बड़ा भाई भी तो वहीं पर है ना? उन्हें अंग्रेजी दवाई पसंद नहीं, आप जानते हैं ना, अब आप ही जाकर उन्हें समझाओ। बाप रे, उनकी स्वतंत्रता की बातें चालू हो जाएंगी, तो? तुम्हें छोड़कर बाकी किसी की बात नहीं मानेंगे, इसीलिए तुम ही समझाओ। हाँ, वो भी मेरे जाने के बाद। अरे मैं, हाँ क्या हुआ, क्या बोला उस डॉक्टर ने? अरे हैदराबाद जाके दिखाने को बोला। अरे अरे अरे, खांसी के लिए हैदराबाद जाना होगा? अरे 1946 में एक बार सूर्य नारायण नामक एक व्यक्ति जो हमारे साथ जेल में था, उसे एक बार ऐसी ही खांसी हुई थी, मैंने ही दवा बनाकर दी थी उसे। वो दिन अलग थे, अब किसी को वैसी दवा बनाकर दोगे तो जेल में डाल देंगे। ठीक है, कल हम निकलकर हैदराबाद जाएंगे। तो चुप कर, जैसे कि तू सब जानता है। हाँ, सब आप ही जानते हैं, आप क्यों हैदराबाद जाने से मना कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानता है तू, क्या जानता है? क्यों छेड़ रहे हो? हाँ क्या है बता। आपको इंजेक्शन से डर लगता है? इंजेक्शन से डरता हूँ मैं, एक रख कर दूंगा ना तो। अरे स्वतंत्रता संग्राम में लाठी का मार खाया हुआ यह शरीर है। कुछ कहो तो नई कहानी। क्या ये कहानी है? मैंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, क्या ये कहानी है? लाठी से मार खाया झूठ है? अंग्रेजों का कुर्ता पकड़ा क्या ये झूठ है? सोने का पदक पाया क्या झूठ है? बोल क्या झूठ है? सब सच है, लेकिन आप हैदराबाद चल रहे हो कि नहीं?
यहाँ का काम छोड़कर मैं हैदराबाद नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा। ठीक है, जैसी आपकी। अरे तू खाना खाए बिना कहाँ जा रहा है? अरे खाना। अरे बेटा तू इधर क्यों बैठा है, चल घर चलकर खाना खाते हैं। नहीं चाहिए। वैसे आपकी तबीयत कितनी बिगड़ गई, मुंह से खून भी निकल चुका है। मैं इतना पीछे पड़ रहा हूँ तब भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए ना, इस नदी के पास पड़ा हुआ मिला था इसलिए ना। तू चुप कर, एक और शब्द निकाला ना तो इस नदी में उठाकर फेंक दूंगा। वापस नहीं आ सकता क्या? वापस आया तो फिर उठाकर फेंक दूंगा। वापस आ जाऊंगा। बाबूजी मुझे फेंक दोगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा, आपके पैर कौन दबाएगा, आपकी स्वतंत्रता की कहानी कौन सुनेगा, असल में आपकी डांट कौन खाएगा? ठीक है, हैदराबाद चलूंगा, लेकिन फिर कभी ऐसी बकवास किया ना तो तुझे मारकर देखना मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है, दोनों मर जाते हैं। वो सब तो ठीक है, हैदराबाद में जाकर ठहरेंगे कहाँ? भैया के यहाँ। उस नालायक की बात मत कर मेरे सामने। कितने साल हो गए इस गांव को छोड़कर गए, उसे शादी किया, बाप भी बन गया, कभी उसे मेरी याद आई क्या? बोलो आई क्या? देखो अगर जरूरत पड़ी तो धर्मशाला में रह लूंगा, लेकिन उसके घर में नहीं जाऊंगा। चलाते रहो, मैं टेलीग्राम देके आता हूं। नहीं बोला ना, तू पहले जाकर खाना खा ले। टेलीग्राम देने के बाद खा लूंगा। स्वामी आज मेरा कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, मैं जिसे छूं सोना हो जाना चाहिए स्वामी, ट्रेन नदी और नाले में गिरे बिना स्टेशन पर टाइम पर आना चाहिए स्वामी। वैसे किस लिए आप पर भरोसा करना, मैं एक बार फोन करके पता लगाता हूँ। मुन्ना भाई MBBS। हाय, सुनिए आप भी फोन करने आई है और मैं भी फोन करने आया हूँ, दोनों एक ही बूथ पर आए हैं, मतलब हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। कुत्ता बहुत खूबसूरत है आपकी तरह। आपका कुत्ता काटता है क्या? नो, मेरा कुत्ता काटता नहीं। सुंदर लड़कियाँ कुत्तों के ऊपर चिल्लाती हैं लेकिन अंदर से अमृत किन, अंदर से सॉफ्ट होती है। नाइस टच टच पैप। आपका कुत्ता काटता नहीं कहा था आपने? मेरा कुत्ता काटता नहीं कहा था, ये कुत्ता काटता नहीं ऐसे मैंने नहीं कहा। इतनी सी बात में इतना मतलब है मेरी माँ? अरे बाप रे। क्या रे पप्पी, ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर शांति से मेरे बॉयफ्रेंड से बात भी नहीं करने देता, चिल्ला क्यों रहा है, खेल नहीं सकता क्या? वही किया माँ, मेरी जिंदगी से खेल रहा था ये। उसके साथ खेला? कितनी बार समझाया तुझे कि ऐसे काले जानवरों के साथ नहीं खेलना चाहिए, तेरा कलर भी काला हो जाएगा। अब चल, तुझे चल के इंजेक्शन लगवा देती हूँ। क्या काटा मुझे इंजेक्शन इसे लगवाएगी? इतना गंदा दिखता हूँ मैं क्या? अरे बाप रे बाप, कितनी जनता है रे बाबा, स्वतंत्रता संग्राम में भी इतनी जनता नहीं थी। उन दिनों अगर इतनी जनता होती तो स्वतंत्रता पहले ही मिल गई होती शायद। अब आबादी कम थी, अब जो काम नहीं कर रहे हैं वो आबादी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हे टैक्सी या ऑटो देख जरा। हेलो ऑटो, चलोगे क्या? हाँ नमस्ते भाई साहब, कहाँ जाना है? क्या कहाँ जाना है साहब? इस तरह बात करते हैं, कौन है तू? अरे नहीं नहीं नहीं, असली हिंदुस्तानी हूँ, नाम है श्रीनिवास। तो हिंदी में बोल सकता है ना, गांव से आने वाला अंग्रेजी कहाँ जानेगा? वैसे आप गांव से आए तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कौन है रे ये? साफ सुथरी धोती दिखाई नहीं देती क्या? धोती गांव के लोग नहीं तो क्या, तू जैसे गधे पहनते हैं? एक स्वतंत्रता सेनानी को पहचानने की अकल नहीं है तुझमें? सुबह ही 7:30 चालू हो गई। वैसे कहाँ जाना? गोकुल कॉलोनी। आइए आपको लेके चलता हूँ, आइए। अपने यहाँ तो कहने पर मीटर डालते हैं, ये तो बिना पूछे ही मीटर डाल दिया, कहीं धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है? साहब जी मीटर नहीं डालो तो धोखा बोलते हैं, मीटर डालो तो धोखा बोलते हैं। मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से जीता हूँ साहब। आज के समय में ईमानदारी कहाँ है रे, अपने गांधी जी के समय में तो गांधी जी के बारे में बात कर रहे हो, मतलब स्वतंत्रता के जमाने के हो, बताते क्यों नहीं? बताया ना बेटा, उस समय के एक भी महापुरुष की जानकारी है क्या तुझे? क्यों नहीं जानता हूँ, पोट्टी श्री रामलू जी की, और हमारी एक ही गली है बाबू जी। पोट्टी श्री रामलू जी तुम्हारे ही गाँव के? कैसे? सारी पोट्टियाँ हमारे ही गली में रहती है। उनका नाम बताकर मुझे धोखा देता है, देशभक्तों को भूल गए तुम लोग? मैं नहीं भूला जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का और मेरा गांव एक ही है जी। क्या सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का और तुम्हारा गांव एक ही? हाँ है जी। कौन सा गांव है? सर्वपल्ली जी। नालायक कहीं का, सर्वपल्ली उनके घर का नाम है रे। मार डालेगा पागल की तरह बात किया तो तुझे इस ऑटो से बाहर फेंक दूंगा। कहाँ वो और कहाँ तू? उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं तो क्या, गांधी जी का मेरा अटूट रिश्ता है जी। गांधी जी से? हाँ। तूने पहले क्यों नहीं बताया,
मैं गांधी जी का दाहिना हाथ हूँ। क्या रिश्ता है उनसे? तब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था ना। हाँ। और मुझे भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बिना टिकट यात्रा करूंगा तो फेंक ही देंगे ना। चुरे, 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 चुरे। गांधी जी से नाता छोड़ेगा? उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। फिर बोलेगा, अभी ऑटो मुझे नहीं चलाना है, अब तुम ही चलाओ। थोड़ी देर में मैं जाओ, किसी और रिक्शे वाले को ढूंढो, जाओ। हेलो भैया, ऑटो किसी और को ढूंढ लो, मुझे नहीं चलाना। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो इस तरह से भाग गया? आपने तो कुछ नहीं किया है, और आप वैसे भी ऑटो वालों को शांति से ऑटो चलाने नहीं देते। आप टॉर्चर करेंगे तो यही होगा। जब देखो मुझे डांटता रहता है। अब हम कैसे जाएंगे? आप कोई ऑटो नहीं मिलेगा, और उसने सब ऑटो वालों को बता दिया होगा। आप तो पैदल ही जाना होगा। चलिए। चल चल कर पैर में दर्द होने लगा है। ये सब आपकी वजह से हुआ ना। अब जाने दे। ये कैसा शहर है, एक जगह तो इतनी भीड़ दिखाई दे रही थी, और यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिखता। सारी दुकानें बंद क्यों हैं? आज रविवार है क्या? नहीं बाबूजी, बुधवार है। तो फिर एक भी आदमी क्यों नहीं दिखाई देता? बात दरअसल ये है कि धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उस वक्त इतनी धूप नहीं थी ना बाबूजी। एक दूंगा ना। चलो बाबूजी, उधर देखो भैया की शॉप। देखा ना, भैया को हमेशा आप प्यार नहीं है कहकर डांटते रहते हो। देखो दुकान पर आपका नाम लिखा है। वो अगर मेरे सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगा। क्यों? दुकान पर आपका नाम है इसलिए? नाम बिगाड़ दिया इसलिए। पढ़ कर देखो क्या है वो। शिव राम कृष्णैया। क्या है वो, क्या है वो? मेरा नाम शिवराम कृष्णैया है। तुझे और उसे मिलाकर एक ही मुक्के से मार दूंगा। शिवराम कृष्णैया, शिवराम कृष्णैया, तू जा इधर से। उसका घर कहां पर है पता लगा, जा। शिवराम कृष्णैया। कौन है रे तू? उस ठाकुर का आदमी है क्या? नहीं है तो तू मर जाएगा, सब मर जाएंगे। तू मर जाएगा, वो मर जाएगा, सब मर जाएंगे। तू मर जाएगा, वो मर जाएगा, सब मर जाएंगे। तू मर जाएगा, वो मर जाएगा, सब मर जाएंगे। हैंड्स अप। हैंड्स अप। ए कर्फ्यू में इधर क्या कर रहा है? गोली मार दूंगा। क्या है ये सब? ये पुलिस वाला बंदूक क्यों दिखा रहा है? कहाँ मर गया है वो? जा रहे उधर, वैसे ही परेशान हो रहा हूँ। एक तो बाबूजी आ रहे हैं, स्टेशन जाना है। इस कर्फ्यू में कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। गाली दे रहे होंगे पता नहीं। आप दादाजी से अभी भी डरते हैं? तेरा बाप तुझे नहीं डांटता तो क्या? मेरा बाप तो मुझे डांटता है। वो आ रहे हैं। अरे कौन है रे? आ रहा हूँ। क्या आप इन्हें जानते हो? जानता है क्या? बोल। जानता हूँ, ये मेरे बाबूजी है, छोटे भाई है। शिव रामकृष्णैया नाम लिखा हुआ शॉप तुम्हारा ही है क्या? बोलता क्यों नहीं है? लिखवाया ना शिव रामकृष्णैया। हमारा ही है, वो पेंटर से गलती हो गई। आप जाइए सर। गधा है तू, गधा है तू, गधा कहीं का। बाप का नाम भी सही तरीके से नहीं लिख सका, गधा कहीं का। कैसा है रे? अच्छा, ये अपना ही घर है। कैसी बेटी? सब ठीक है ना? आपका तो पेट आ गया है। मैं मोटा हो गया हूं तो क्या करूं, अब अपनी सेहत ऐसी ही रहती है। बाबूजी की तो ठीक है ना? आजा 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 आजा। आओ बेटा, मैं तेरा दादा हूँ रे। तेरा नाम क्या है? शिवराम कृष्णा। वाह, शिवराम कृष्ण या नहीं रखा। ए कितनी देर ऐसे खड़ा रहेगा, चल अंदर चलते हैं। गांधी जी के साथ आप ही घूमते थे ना? हाँ मैं ही हूँ। ये बात मेरे विषय में सही बताया तेरे बाप ने। और क्या बताया उसने? बहुत कुछ बताया। पापा पापा आप लंबे क्यों नहीं है पूछा तो? तेरी दादाजी की बकवास की वजह से लंबा नहीं हुआ कहा। और क्या बताया उसने? हर बार गांधी जी के ऊपर भाषण देते ही करके वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए गांव नहीं जाएंगे ऐसे कहा।
वो क्या है ना बाबूजी, आपके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है ना, वहीं जाना है। वो बाद में देखा जाएगा, पहले बता मेरे पोते को क्या बताया तूने। एक बार माफ कर दीजिए दादाजी। तू कह रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, जा बे गधे, तुझे माफ किया। बाबूजी नहाने चलिए। आओ बेटे बाथरूम कहाँ है, साबुन लेकर जाइए, 10 मिनट में खाना लगा दे। हाँ ठीक है बाबू जी। भैया और कहीं कर्फ्यू? कर्फ्यू इधर ही क्यों लगा है? अब वो अगर मैं बताने लगा तो पिताजी वापस स्वतंत्र संग्राम के बारे में बताने चालू कर देंगे, उनके साथ साथ हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा। सही कहा। क्या जी, इतना बड़ा जो 150 का है, साबुन के टुकड़े का जितना भी नहीं है, ये 1000 रुपए का है। वीर भद्रा राव व्यायामशाला का अच्छा नाम होना चाहिए। अपने हाथ उठाओ। आ, ये कौन है रे, उठा बोला तो कांप रहा है। ऐसे तो नहीं है, नहीं है क्या, जब भी मांगो नहीं है बोलता है। क्या मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ? काय का पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब तेरी पत्नी के साथ सोना नहीं है। तो क्या तेरी पत्नी के साथ सोना है क्या? अरे स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है काम ज्यादा करना और कम सोना। चुप कर अपने बकवास। तू यहाँ बैठकर ओनर जैसा नहीं दिखता है, काउंटर में बैठा हुआ क्लियरेंस जैसा दिखता है। चाहिए तो उससे पूछ ले तू। अरे उससे क्या पूछना, तुझे क्या पता चलेगा, पैसा दे तू। अरे नहीं है ना। क्या नहीं है? अरे नहीं है, बोला ना। ये लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते। पहले आज के समाचार के मुख्य अंश। आज की ताज़ा खबर, कृष्णा नगर एरिया में एक होटल में काम करने वाले सर्वेंट ने गुंडा बनकर कैश काउंटर पे बैठने वाले ओनर को बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए कैश काउंटर पे बैठने वाले सारे ओनर को होशियार करने के लिए शहर के पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी दी है। कृष्णा, तू कैश काउंटर पे बैठने के लिए कह रहा था ना, आज रहा इधर बैठ, मैं किचन में थोड़ा काम है देख कर आता हूँ, समझा? मैं अभी आया। कैश काउंटर पे बैठने का शौक है ना? अरे कोई उठे मत, लगता है गुंडे आ गए, चलो बैठो रहो। अरे लगता है घोड़ों पे आए हुए, उन्हीं के पैरों की आवाज आ रही है। अरे बाप रे साइलेंट हो गया, लगता है चले गए हैं। चलो चलो चलो, उठो उठो, आओ बाहर देखकर आते हैं। वैसे अपने स्लीपिंग पार्टनर का क्या हाल हुआ होगा, लगता है मर गया होगा। हाँ मर ही गया होगा, चलो देखकर आता हूँ क्या हुआ होगा। ख्वाहिश पूरी हुई ना? चल बैठना, बहुत हुआ, अब चल बैठोगे तो पता चलेगा। हाँ मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। हाँ ए, ये क्या आ? क्या इसमें से पैसे कहाँ गए? तुम किचन में गए थे, गुंडे आए थे मुझे मारने की धमकी दिए। ओनर कहाँ है पूछा, मैंने कहा किचन में गए, वो लोग पैसे लेकर भाग गए। सुनो स्लीपिंग पार्टनर हो ना, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अपने घर जा। क्या? तेरे घर जाके सो। नमस्ते चंद्रा बाबू। नमस्ते, ये मेरे बाबूजी और भाई। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। नमस्कार, सब ठीक है ना? आता हूँ भाई। वेंकटेश भैया नमस्ते, ये मेरे बाबूजी हैं और ये मेरा भाई है। नमस्ते, ये वेंकटेश स्वामी हैं। हाँ, इनकी दुकान भी इसी कॉलोनी में है। कौन सी दुकान है? घड़ियाल की दुकान है। चलते हैं। आता हूँ वेंकट। आइए आइए बाबूजी, इनका नाम कृष्णा है। नमस्ते बाबूजी। और ये अपना राव है। अपनी शॉप के सामने ही इनका होटल है। ये आपके पिताजी हैं? हाँ कल ही आए हैं। ये मेरा भाई है। नमस्ते, चलते हैं, हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। क्या है ये? गांधी जी के बाद गांधी जैसा इंसान हूँ मैं। ब्रांडी की दुकान के पास मेरे नाम की दुकान लगाया है। अपनी दुकान बदल दे या इसकी दुकान बदल दे। ठीक है बदल दूंगा बाबूजी, चलिए अभी डॉक्टर का टाइम हो रहा है, चलो। ए ऑटो चलेगा? अरे बाप रे, मैं इनके साथ नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा। चल बेटा, देश के नेता के बारे में बात करेंगे। अरे बाप रे, वो तब का मारूंगा, अभी तक दुख रहा, नहीं चलूंगा, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, मैं नहीं चल सकता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, राजा माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अपना मुंह खोलिए। और खोलिए। मैं कोई घोड़ा हूँ क्या जो करने कह रहा है? इट्स ऑलराइट। अब मैं उठ सकता हूँ क्या? बेझिझक उठ सकते हैं। घर पर भी ऐसा ही गुस्सा करते हैं क्या? हाँ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं, इन दोनों ही थोड़ा कम किया है। कोई बात नहीं, बड़ी उम्र वाले हैं ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये टेस्ट करवाइए। टेस्ट किए बिना मेरी बीमारी नहीं बता सकते हो ना? ऐसे ही कैसे बता सकते हैं जी? नहीं बता सकते हो ना, उन दिनों डॉक्टर हाथ की नस पकड़कर बता देते थे कौन सी बीमारी है। इन दिनों खांसो तो टेस्ट, छींको तो टेस्ट, हजम हुआ तो टेस्ट, नहीं हजम हुआ तो टेस्ट। वैसे आजकल के डॉक्टर जानते ही क्या है। ऐसे टेस्ट सबके लिए नहीं होते बाबूजी, सिर्फ आप लोगों के लिए। क्यों, मुझ जैसे लोगों को क्यों? मैं गांव का हूँ इसलिए क्या? नहीं बाबूजी, अपने इंडिया में हमारे गांधी के शिष्य एक आप ही बचे, इसीलिए। वैसे भी गांधी जी तो वापस नहीं आ सकते, इसलिए आप में ही गांधी जी का रूप कुछ साल देखना है।
इतनी सी बात है बाबूजी, आप जैसे लोग नहीं होंगे तो वापस वो गोरे भारत देश पर कब्जा कर लेंगे। इस डर से डॉक्टर साहब आपको ये टेस्ट कराने को कह रहे हैं। बस सात पर्वत वाले वेंकट रमन, गोविंदा गोविंदा। स्वामी, मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो मेरी शादी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही उनकी सेवा करने के लिए एक अच्छी सी बहू मिल जाए, मतलब मुझे पत्नी चाहिए समझ लीजिए। ये अपनी आपस की बात है स्वामी, मुझे आपकी तरह दो पत्नियां नहीं चाहिए, मेरे लिए एक ही काफी है। लेकिन थोड़ी खूबसूरत चाहिए, बच्चे भी ज्यादा नहीं चाहिए, दो काफी है, एक लड़का एक लड़की, इतना ही चाहिए स्वामी। मेहनत खूब करूंगा, कमाई अच्छी देना, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने जो मांगा है उसे भूल मत जाना प्लीज। संकट हरने वाले हम सबके रक्षक, गोविंदा गोविंदा। संकट हरने वाले महाशक्तिशाली गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। ए, इस धंधे में भी धोखा कर रहे हो? मैंने धोखा किया? क्या धोखा किया जी? देखो ये सड़ा हुआ नारियल, ये सड़ा हुआ नारियल है, ऐसा ही इसमें घुसकर देखेंगे क्या? मैं दिखाऊं क्या? हाँ दिखाइए, कमान चैलेंज। हाँ देखो, हाँ ये अच्छा नारियल। हाँ अच्छा बोला। ये भी देखो अच्छा। हाँ अच्छा बोला। ये वाला भी अच्छा। पानी वाला है ये? नहीं, ये वाला भी अच्छा। अरे मुझे धंधा कर दे देंगे कि नहीं? आप बहुत अच्छे इंसान है, आप सब कुछ जानते हैं। ये लीजिए, जाइए जाइए। बाप रे, ऐसे लोग आ गए तो मेरा धंधा ही बर्बाद हो जाएगा। ए, तू क्या कर रहा है? ठीक से कर। ए, साली साहिबा, ए, मेरी ताकत देख। ए, जाकर पूछ। मेरी ताकत के बारे में पूछ। जाकर तेरी दीदी से पूछ। मेरे मसल देखो। ये जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी ताकत के बारे में मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। अपनी बहन को मेरे बारे में क्या बता रही थी? क्यों नहीं बता सकती? कुछ तो बता रही थी। वही जो कुछ नहीं है। वही बता जो तूने बताया। नहीं है वो बताया, जो नहीं है वो नहीं बता सकती क्या? क्या नहीं है ये? क्या बताया तूने? अरे जो नहीं है वही बताया। दिख रहा है नहीं है ये? क्या बताया तूने? तुम कुछ नहीं जानते क्या? अरे डुप्लीकेट आवाज निकाल रहा है क्या? सच में आवाज आ रही है, वहाँ देख। अरे ये कंकड़ और पत्थर को डाल रहे हैं। बिना बताए यहाँ पे आया है तेरी तो? रुक, आ रहा हूँ मैं, रुक, आ रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये हो क्या रहा है? मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या सही हो रहा है। तुमने मट्टी जानता हूँ भाई, लाल मिट्टी है काली मिट्टी है जानने के लिए पूछा। लाल मिट्टी? लाल मिट्टी सुनती हो? लाल मिट्टी है, लेकर गमले में डालोगे तो पौधा बढ़ेगा। खाली नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। तुमको कितनी बार बोला हमने? अरे भाई भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्या रे, क्या मुंह ज्यादा खुलने लगा है क्या? अरे इसके तो हर जगह प्रॉब्लम है। मतलब हाथ पैर दोनों में प्रॉब्लम क्या है? ये इस जगह का मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तुम्हें अकल है क्या? हमको बिना बताइए मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तेरे को क्या बता रही? तू कहता है कि उस जगह के सारे कागज तेरे नाम पर है, दुकान तेरे नाम पर है कहता है, तो फिर ये सब सब अपने नाम पर रहने पर भी वो ठाकुर ने चाहा तो वो जमीन छीन लेगा। बाबूजी आप पहले खाना खा लीजिए। मैं खाना खा लूंगा। पहले ये ठाकुर कौन है पता? कोई कलेक्टर, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्या वो मिनिस्टर है? उससे भी ज्यादा पावरफुल है। गांधी जी से भी ज्यादा पावरफुल है। गांधी जी की हत्या करने वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। बहुत खतरनाक है, गुंडा है, पुलिस और जज भी उसके नाम से डरते हैं। ऐसा आदमी अपनी जगह खाली करवा रहा है। ऐसा सोचकर खाली कर देंगे क्या? मैं जिंदा रहना है तो करना ही पड़ेगा। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? गोरों ने भी अपने देश पर राज किया, हमें भयभीत किया, सीताराम राजू जैसे आदमी को मार डाला, फिर भी क्या गांधी जी डर गए? अहिंसावादी के मार्ग से आगे बढ़े वो, मैं भी उनके साथ था, देश की सारी जनता उसके साथ रही थी। हाँ ऐसा किया तो हमारी कॉलोनी के गांधी जैसे बैनर्जी को बीच सड़क पर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उससे उसकी पत्नी पागल होकर इस गली में घूमती रहती है। हम सब रहकर भी क्या कर पाए, सब खामोश रहे।
अरे आप, नमस्ते जी। नमस्ते। इस हैदराबाद में एड्रेस रखकर भी आदमी को ढूंढना मुश्किल है कहते हैं। आपका दोबारा मिलना मेरी खुशकिस्मती है जी। मेरा शुभ नाम भरत है, सब लोग मुझे भरत भरत कह के बुलाते। हाँ। मैं गांव से हूँ, इस शहर में नया आया हूँ। मेरी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल में दिखाने के लिए हम यहाँ आए। मेरा भाई इसी शहर में रहता है जी, उसकी किताबों की दुकान है, मैं उनके ही घर पर रहता हूँ। कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो आप बात कर रहे हैं ना, मैं सुन क्या बात करती है, आप बात कीजिए ना। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजुला, लेकिन सब मुझे प्यार से मंजू पुकारते। वेरी नाइस नेम जी। थैंक्स। कौन सा गांव है आपका? इसी शहर में, इसी कॉलोनी में रहती हूँ। क्या करती हो? पढ़ाई हो चुकी है, आगे क्या करना है सोच रही हूँ। दीदी जीजाजी के साथ रहती हूँ। आपके शहर के लोग बहुत कम बात करते हैं जी, जितना पूछा उतना ही जवाब दिया। मुझे आज ही थोड़ा वक्त मिला इसलिए थोड़ा घूमने निकल गया। क्या आप ये शहर जानते हैं? नहीं जानता हूँ, लेकिन भाई से चिट्ठी में लिखवा कर लाया हूँ। क्या लिखा है? बस के नंबर 10 चढ़ो तो सिकंदराबाद है जी, 25 चढ़ो तो कोटी है जी, 9 चढ़ो तो हाइब्रिड है जी, उसके बाद में बिरला मंदिर चार मीनार देखना है जी। चार मीनार में चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है ना। हाँ। वहाँ की मिठाई भी बहुत अच्छी है ना। हाँ ठीक, पर वो कहाँ पर है मैं तो नहीं जानता। मैं दिखाती हूँ ना। सच में? सच में। वेरी नाइस जी। लेकिन आप बात करते रहोगे तभी दिखाऊंगी। हम दोनों का बहुत अच्छा मैचिंग है जी। हाँ? मेरा मतलब आपका ड्रेस मेरा ड्रेस सेम है ना, सेम टेस्ट, कितना अच्छा है ना। लोग ज्यादा आना चाहिए, कल परसों का सारा खाना खत्म हो जाना चाहिए भगवान, आज कमाई ज्यादा होनी चाहिए, गल्ला सारा भर जाना चाहिए भगवान। अरे क्या अपने होटल का दिवाला निकलेगा ये सोचकर रो रहा है तू क्या? नहीं रे, इनके हालात पे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ। बस करे अपना मजाक, शॉप खोलेंगे तो डर है, नहीं खोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अरे अपना फायदा ही थोड़ा बहुत है, इस धंधे के साथ दुकान बंद करके बैठोगे तो आगे आगे खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे छोड़े या फिर ओढ़े, एक ही कहावत है, आजकल हमारे धंधे का भी यही हाल है, समझे तुम? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ाई वाली बातें मत करो। क्यों, आज खाना नहीं खाओगे क्या? ए, चुप कर रे, घर जलकर एक रो रहा है तो दूसरा कुछ और जलकर रो रहा है, ऐसे में दुकान कैसे खोले हम ये सोच के रो रहे हैं, और तू बीच में अपने मेरे पर क्यों कर रहा है? बाहर खाना खाइए, यहाँ पर आकर फुकट बैठिए, फोकट में फैन चलाता रहेगा, ये कम बखत है। क्या बोल रहा है, क्या नहीं जानता मैं? बंद कर ये पंखा। नहीं तेरी बकवास। हाँ ठीक है ठीक है। बैनर्जी से कुछ नहीं हुआ, अब हमसे क्या होगा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ बताओ क्या है? यही कि हम सब कल जाकर उस ठाकुर साहब से बात करें, जरूरत पड़े तो उसके पैरों में गिरे। अरे धक्का मत दोरे में गिर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं रे, घर से निकलते वक्त दाएं आंख फड़फड़ा रही थी। अरे तेरा तो टॉप टू बॉटम बिगड़ चुका है। अरे यही छोड़ दो, हम सब ने मिलकर फैसला लिया है, उसी हिसाब से चलते हैं, कुछ समय हिम्मत रखो। अरे वो बात नहीं है, ठाकुर साहब के सामने सबकी हवा खराब हो जाती है। चलो 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 ऊपर चलो, कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो ऊपर चलो। अरे ठीक से नहीं बोल सकता, कहाँ जा रहे हैं? अरे जा रहे हैं बाबा, तू चला गए। अरे यहाँ पर जो मरवाने लेकर आया। चलो चलते हैं। चलो चलो, ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो? ठाकुर साहब से मिलना है। जाओ जाओ आगे जाओ जाओ। अरे तुम ठाकुर साहब के बारे में नहीं जानते हो, अच्छों के लिए वो अच्छे हैं, बुरे के लिए वो बुरे हैं, डरो मत। रानी लेकर आओ। नमस्ते ठाकुर साहब। क्या हुआ, सब मिलकर आए हो, कोई जरूरी बात है क्या? कुछ नहीं ठाकुर साहब, हम सब मिलकर आपसे कुछ बात करने आए हैं। तू बोल रहा है? बात कर, तू बोल रहा है? हाँ मैं ही बात करता हूँ। कुछ नहीं जी, वो हमारी शॉप के सामने कुछ लोगों ने मिट्टी कंकड़ लाकर कुछ गुंडों ने कुछ महान लोग आकर शॉप खोलने नहीं दे रहे, बड़ी परेशानी हो रही है। तू बोलना बोलना। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू ही लाए ना, तू ही बात कर, तू ही बात कर। ये कहना चाहता है कि कोर्ट में तो जीजाजी के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे उन्हें पसंद नहीं है। असल में बात ये है कि हम इतने सालों से वहाँ पर धंधा कर रहे हैं सभी, और अब आप वहाँ आकर
जीजा जी की तरफ कोई उंगली उठाकर बात करे ये भी मुझे पसंद नहीं। आप हम पर दया करके उनसे बात करते तो। हे रविंदर। ठाकुर जी, उन सबको खाली करने के लिए तुमने कितना टाइम दिया? एक महीना ठाकुर जी। अब तक पूरे कितने दिन हो चुके? एक महीना एक दिन हुआ ठाकुर जी। एक उंगली काट लो। हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा डॉक्टर। हाँ तुरंत, उन्हें तुरंत एडमिट करना होगा और फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होगा, उनके गले का एक्सरे करना होगा, इससे पता चलेगा कि पेशेंट की बीमारी कहां तक पहुंची है। अरे वो तो हमेशा 99 में आउट हो जाता है रे सर। अरे अपने एरिया का पिल्ला तो 2000 लेकर जाएगा सर। मेरे बाबूजी को खांसी ज्यादा हो रही है, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा है। रूम चाहिए सर, रूम चाहिए एक सर, एक रूम चाहिए सर। क्या है? एक रूम चाहिए सर। अभी यहाँ कोई रूम वूम खाली नहीं है, तुम बाहर जाकर किसी के मरने का इंतजार करो या तुम ही मार कर आओ। रे मैंने शोएब अख्तर पे दांव लगाया है, मैं जरूर जीतूंगा। सर चाहिए तो देखिए सर, डॉक्टर साहब ने स्लिप भी दी। डॉक्टर साहब ने दिया है तो डॉक्टर को ही बुलाकर रूम ले लो। ए सुन रहा है क्या तू? सर आप रूम देंगे क्या? इतनी देर से परेशान कर रहा है, बोला कि नहीं रूम खाली नहीं है? बोला ना। अरे उधर फोन पर इम्पोर्टेंट बात डिस्कशन कर रहा हूँ और तू इधर। एक काम कर, मेरे सर पर बेड डाल कर सुला दे। जा जा रे बाबा, समझा क्या? जा जा रे। हेलो हेलो, अरे अरे मैं, हेलो हेलो बाबूजी। क्या हुआ रे, बेड मिला क्या? खाली नहीं है बाबूजी। क्या नहीं हुआ? गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जाने वाला मैं, क्या तुमने उसे बताया? तेरा बड़ा भाई कहाँ है? कमरे के लिए किसी से बात करने गया है। बात करने गया है? और कितना देर बात करेगा, इतने में मेरी जान चली जाएगी। बेटा हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को पकड़ोगे तो काम हो जाएगा। रुक जा रुक, ये ले जाकर उसे दे दे। कमरा कैसे नहीं देखा, मैं भी देखता हूँ। जा जा रे। आपके लिए रूम अरेंज करके रखा है सर, आप जब भी आ जाइए। सर अरे बाप रे, तू वापस क्यों आया? ये देखिए सर। क्या ये? स्वर्ण पदक मतलब? है मतलब स्वतंत्रता संग्राम में मेरे बाबूजी ने भाग लिया था, तभी उन्हें ये स्वर्ण पदक मिला। क्या है ये? पत्रे का टुकड़ा, इसकी फोटो खींच कर लेकर आ गया? सर गांधी जी के साथ मेरे बाबूजी ने कई सभाओं में भाग लिया सर। किसने भाग लेने को बोला था? मैंने बोला था क्या? किसने भाग लिया? स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता लाकर क्या किया? तुझे एक रूम मिला क्या? आप दोगे तो? कौन देगा यार, किस रूट में देते हैं किस रूट में नहीं देते मालूम है क्या? जाओ यार, लो पकड़ो इसे। अरे देखते क्या हो जाओ, गांधी जी का नाम लेकर पत्रे का टुकड़ा लेकर आते हो, कहते के रूम दे दो। जाओ बात करता है। हेलो, फिर फोन रख दिया है, गधा कहीं क्या? देखो 1000 रुपया दोगे तो रूम दिलाता हूँ, चलो अभी रूम दिखाता हूँ। क्यों रे कमरा मिला? स्वर्ण पदक दिखाया क्या? दिखाया दिखाया दिखाया, आपका ये स्वर्ण पदक दिखाया, ये किसी काम का नहीं है, ये एक रद्दी चीज है, सिर्फ रद्दी चीज है। स्वतंत्रता के लिए आपको किसने लड़ने को कहा था? किसके लिए लड़े? इस स्वतंत्रता से उनको कोई काम नहीं है। वहां लटकी हुई गांधी की तस्वीर को पहचान नहीं पाया वो अपने आप को हॉस्पिटल का मालिक समझ रहा है। गांधी की तस्वीर की इज्जत ना करने वाला आपके इस स्वर्ण पदक की इज्जत क्या करेगा? सोने का पदक, यहाँ आदमी की जान जा रही है लेकिन वहाँ फोन पर क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के शोएब अख्तर के भरोसे पर इंडिया हार जाएगी कहकर शर्त लगाया जा रहा है पागल कहीं का। अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले आप जैसे आदमी को क्यों गौरव रहेगा? हे ब्रोकर साले, इस हॉस्पिटल में रूम की दलाली से पैसे कमाने वाले ये दलाल लोग स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की अरे क्या इज्जत करोगे तुम लोग? अरे उनके प्राणों की कीमत तुम्हें क्या पता होगी? ये गौरव है उनका, ये स्वर्ण पदक है। जन्म देने वाली माँ को अपने बेटे पर जिस तरह अधिकार रहता है, उसी तरह मेरे बाबूजी को भी इस देश पर अधिकार है। ऐसे महान पुरुष को संभालने की जिम्मेदारी इस देश के हर युवक का कर्तव्य है। भरत मिल गया रूम, तू चलना। अरे बाबूजी चलिए चलिए, आप उठिए।
डॉक्टर 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 डॉक्टर, मेरे बच्चे का तुरंत इलाज कीजिए। चोट कैसे लगी? ठाकुर के आदमियों ने मारा। ठाकुर साहब के आदमी हैं? तो ये पुलिस केस है, पहले आप केस कीजिए, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अरे लड़का जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और आप पुलिस केस करने की बात कर रहे हैं? उसका खून बहुत चला गया है, मेहरबानी करके इसका इलाज कीजिए डॉक्टर। देखिए पहले केस दर्ज करा कर आइए, उसके बाद ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। पहले वो काम कीजिए। पुलिस ने अगर केस दर्ज नहीं किया तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। नमस्ते सर। अरे महेश, क्या मामला है? ठाकुर साहब ने आपके लिए बंडल भेजा है। नए नोट है, अभी पैदा हुए लगते हैं, लेकिन इस बार जरा बड़े नोटों का बंडल भेजने को बोल यार, छोटी से ज्यादा परेशानी हो रही है। बता दूंगा साहब। ए जानकी, देख लक्ष्मी आई है। हाँ, कहाँ पर है जी? यहाँ पर है। आप इस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? वैसे मैंने आपको कितनी बार समझाया है, इस तरह से आया हुआ पैसा हम लोगों को नहीं चाहिए। वापस शुरू हो गई, ये सारे काम अपने लिए थोड़ी करता हूँ, अपनी बेटी के लिए ही तो करता हूँ, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। इस तरह से कमाया पैसा एक न एक दिन हमें तकलीफ में लाएगा, इस बात का असर मेरी बेटी पे ना हो यही डर रहता है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है, आज सब मिलकर आए हो, कुछ चंदा वंदा चाहिए क्या? सुबह कुछ गुंडे हमारे कॉलोनी में आकर लड़ाई झगड़ा करके हमारी दुकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा है तो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करो, यहाँ मेरे घर पे क्यों आए हो? हम लोग रिपोर्ट करने गए, उन्होंने हमें मारा। उस झगड़े में वेंकट राव के लड़के का सर फूट गया है साहब। हाँ साहब, हॉस्पिटल गए तो पुलिस केस से रिपोर्ट देने के लिए कहा साहब, डॉक्टर ने जो कहा वो राइट है, रिपोर्ट किया। आज फिर हंगामे को देखकर रिपोर्ट देनी चाहिए, यही सोचकर हम आपके पास आए हैं साहब। आप रिपोर्ट दोगे तो भी मैं एक एक आदमी की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सारी कॉलोनी के लिए 4-5 कॉन्स्टेबल रख सकता हूँ, पुलिस है ये सोचकर गुंडे नहीं आएंगे। अगर गुंडे नहीं आएंगे तो मैं पुलिस को वहाँ से हटा लूंगा, पुलिस नहीं है ये सोचकर गुंडे वापस आएंगे, इस बार दुकान नहीं हड्डी तोड़ देंगे। असल में प्रॉब्लम गुंडे नहीं, आप लोग जहाँ रहते हैं वो जगह ही प्रॉब्लम है। आप जल्दी से जल्दी उस जगह को खाली कर दीजिए, ना गुंडे आएंगे ना तोड़ा तोड़ी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा मशवरा दे रहे हो सर, लेकिन आपके इस न्याय से ये लोग इतनी आसानी से वो जगह नहीं छोड़ेंगे। ये कौन है? भरत है, हमारी कॉलोनी में चंद्रा है ना, उसका भाई है। नहीं परेशानी है मुझे नहीं तुम्हें। क्या हुआ? लेट से पेंसिल को नोक बनाने के लिए नहीं कहा था। क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ, वापस उंगली काट ली? असल में मुझे तुम्हें डांटना चाहिए, एक शॉर्पनर भी नहीं ला के दे सकती। बाप रे कितना खून बह गया, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? डॉक्टर को फोन करो कि हम लोग आ रहे हैं। अरे बेटी अपने आप को संभाला करो बेटी, लगता है ब्लेड लग गया, ज्यादा ही खून बह गया होगा। क्या है जी ये, असली टेस्ट तो है ही नहीं, नारियल पानी पीना है तो हमारे गांव में आके पीजिए। हमारे गांव में तो गोदावरी का पानी भी नारियल पानी की तरह होता है। उधर मत देखिए। अरे उधर क्यों देख रहे हो बार बार? मैंने अपने गांव में कभी ऐसा नहीं देखा। सच कह रहा हूँ, हमारे गांव में ऐसा सब नहीं होता है। अरे ये सामने वाले खिलाड़ी को तो रनआउट कर दिया सर, आपने बैग लेके भाग रहा था, उसे नारियल से जो मारा है ना मर्द हो तो ऐसा होना चाहिए। हर एक लड़की को ऐसा साथी मिले तो कितना अच्छा हो जाए। ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है, बहुत किस्मत वाली है ये। तुम बस भी करो, हाँ हाथ नीचे करो। La 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 la
प्रेम रा मुझको लगा है कोई कर इसकी दवा, दर्द इसको दिल में हो रहा है, दिल ये घूम रहा ओए मस्ती में झूम रहा। हो रही बेचैनी क्या है ये बला, दीवाना ओहो ओहो दिल ये हुआ ओ प्रियतमा, आशिकाना आहा आहा सारा समा है जाने जाना। मुझ पे ये नशा छाने लगा, मैं तोड़ने लगा, दिल को ये क्या होने है लगा, तन बहकने लगा, हालत नहीं है मेरी खतरे से खाली, कोई करो दुआ, घटना है कोई घटने वाली, रब तू बचा। शुरू हुआ अभी तो इश्क, अंजाम क्या होगा, दिल ये घूम रहा है, है मस्ती में झूम रहा। हो रही बेचैनी क्या है ये बला, पूजन कर रहे हैं, यहाँ हमें अपना बोर्ड हटाना पड़ेगा। ये सिटी का नंबर वन गुंडा है, खून खराबा ज्यादा ही करता है ये, समझे तुम? क्या रे, इधर रहकर उधर का सपोर्ट कर रहा है? करना क्या है जी, हर आदमी की राय है वही बता रहा हूँ मैं। हमारी रक्षा करने वाली पुलिस ही उनकी पहरेदारी कर रही है, अब हम अपनी परेशानी किसको सुनाएं? ये सारी बातें यहाँ करने से क्या हो गया, उनसे पूछना चाहिए। अगर ऐसे पूछते रहेंगे तो जिंदगी भर हमें रोना होगा। इधर मत चिल्ला, उधर जाकर चिल्ला जा। चुप कर, वो सुन लेंगे तो। हम देख वो आ रहे हैं। नमस्कार ठाकुर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरे देवता।
ठीक है जी हाजी, आपके क्रियाक्रम से पहले आपके कार्यक्रम से पहले ही मटका फूट गया, कहीं उस पगली की बकवास सच तो नहीं हो जाए। चलो बंद कर। छोड़ दो मुझे, यहाँ से चला जा तू, यहाँ से चला जा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तू, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्या हुआ बाबूजी, यहाँ क्यों बैठे हो? सुबह डॉक्टर देखकर गया था, रूम खाली करने को कहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ कर बैठ गया। लेकिन क्यों खाली करने को कहा, कुछ तो बताइए बाबूजी। मुझे क्या मालूम है, तू ही जाकर पूछ, खांसी ज्यादा हो रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, बोला तो कमरा खाली कर जाने को कहा, तू जाकर डॉक्टर। ठीक है बाबूजी। पूछ रहा। ठीक है बाबूजी। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को जाने को कहा। आपके बाबूजी की तबीयत अब लास्ट स्टेज में है। लास्ट स्टेज? तुमने अपने बाबूजी को लाने में काफी देर कर दी, उनको थ्रोट कैंसर है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, इतने बड़े हॉस्पिटल में कितने बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, पैसा जितना चाहिए उतना ले लीजिए, पर मेरे बाबूजी की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ी तो गांव का घर खेत सब कुछ बेच दूंगा, पर कैसे भी मेरे बाबूजी की जान बचा लीजिए। भरत प्लीज, भरत समझने की कोशिश करो, तुम्हारे बाबूजी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए जाने को कहा हमने, कम से कम आखिरी दिनों में तो उन्हें अपने घर वालों के साथ शांति से रह लेने दो, प्लीज उन्हें लेकर जाओ। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा आप घर में ही दवा खा के ठीक हो जाएंगे, यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं। अरे मेरे गले का दर्द बढ़ता जा रहा है, ये तूने डॉक्टर को बताया कि नहीं? बताया ना, उनकी दवा से आप जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे इधर रहूंगा तो वक्त पर यहाँ डॉक्टर और नर्स तो है। बाबूजी इधर रहने से तो घर पे रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, मुझे तो डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है। ऐसा कहा उन्होंने तो तुरंत अपने गाँव चले जाएंगे, चंद्रा और बहू को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, छोटे को वहीं अपने गाँव के स्कूल में डाल देंगे, मंदिर के पास बनने वाली रोड के लिए लोन भी पास करवाना है, पाठशाला की बिल्डिंग भी रिपेयर करवानी है, गांव के सारे रोड ठीक करवाने हैं, मैं यहाँ रहूंगा तो ये सारे काम एक साल के अंदर हो जाएंगे। अरे क्या हुआ मेरे दोस्त? अरे बेटा क्या हुआ, बोलना क्या हुआ? ए बेटा, ए बाबूजी, ए बोलना बेटा, बोल, समझ गया, समझ गया, तू भी रो रहा है, तू का इतना ही साथ है, तू रो रहा है तो मुझे भी डर लग रहा है, सब जानते हुए भी क्या है? तू भी क्या यहाँ हमेशा रह पाएगा? किसी को बताए बिना तू भी मर जाएगा। चुप हो जा, चुप हो जा। हम लोगों का इतना ही साथ था ये समझ ले। आना जाना यही तो प्रकृति का नियम है, पैदा हुआ इंसान अगर नहीं मरे तो जमीन कैसे खाली मिलेगी, जाने वाला जाता है, आने वाला आता है। ये सब चंद्रा को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाय सत्यानाश हो तेरा,
तेरे घर में आग लगे, अपनी सड़ी हुई शक्ल तू मुझे दिखा रहा है? ए, तेरे घर में माँ बाप बहन कोई नहीं है क्या? कौवे जैसे रंग का कंगाल कहीं का? अरे बाप रे, देखने में तो मॉडर्न लगती है लेकिन मारती है गांव के स्टाइल में। क्या रे, क्या बोल रहा है तू? हाँ क्या बोल रहा है? एक आदमी को पकड़ कर ऐसे बीच सड़क पर गाली देती, जानती है तू? अगर तू सच का मर्द है, अगर तुझे मूछे हैं, अगर तुझ में लाज शर्म हया जरा सा भी कुछ है ना, तो तू रुक यहाँ पे। तू रुक, हाँ मैं 5 मिनट में अपने आदमियों को लेके आता हूँ, तू रुक यहीं पर, यहीं खड़े रह, मैं आती हूँ। मैं मर्द नहीं हूँ ये जानने के लिए अकेली काफी है, फिर आदमी किस लिए? जा लेकर आ, देखता हूँ क्या करती है, जा लेकर आ, जा। तो मजाक समझती है क्या? पति मर गया, पागल हो गई, लेकिन तेरा घमंड नहीं गया अभी तक। चलो चलो। भाई, ए, कोई नहीं आएगा, मैं अकेला देखता हूँ इसको। भरत लड़ना मत, ये सब ठाकुर साहब के आदमी हैं। चल यहाँ से। तो खत्म हो गया, आती क्यों नहीं है? अरे बाप रे, इसकी भाषा टेढ़ी है लेकिन इतने को मेंटेन करती है ये। अरे बाप रे, अरे मैं भाग नहीं सकता बाबा। अरे माँ, अरे माँ, अरे 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 मेरे पीछे नहीं थे, बेकार में भागा रे। छी छी, सीट भी फट गई। वैसे भी मुझे कौन मार सकता है, लोहे की बॉडी है। ये क्या रे, इतनी लेट से भाग कर आ रहे हो? पूछने वाला नहीं है क्या? बताता हूँ। क्या रे, इनके साथ भाग नहीं सकते क्या रे? बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं रहकर ऐसे में बैच बैच बनाकर भाग रहे हो, गुंडों का संग बनाने वाला क्या रे? ये टकला कैसे बनाया रे, कैसा चमक रहा है रे? ये टांगे तो देखी हुई लगती हैं। तू है, 5 मिनट में आऊंगी कहकर आधे घंटे बाद आई, क्यों ऐसा झूठ बोलकर आई तू? चीर के रख दूंगी। हाँ ये
ये क्या भैया, जो हुआ ये सुनकर आप गुस्सा हो जाओगे, ये हम डर रहे थे, आप तो ऐसे हंस रहे हैं। क्या करूं रे, इतने सारे लोगों के सामने अकेले, उसने अकेले 20 सड़क में सबको मारा, उसने सबके सामने मारा रे भाई। मुझे एक चांस और तो भाई। नहीं रे, उसने वापस तुझे मारा तो वो मार मुझे लगेगी रे। नहीं भाई, इस बार ऐसा नहीं होगा, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा भाई। उसके लिए वापस वहाँ जाने की क्या जरूरत है रे? हाँ भाई, वो कुछ देने वाला है, लेकर बाकी बचा हुआ उसके घर भेज देना। ठाकुर जी, एक बार और, ठाकुर जी। ए भरत, भरत, ए ए भरत, क्या हुआ भैया? अभी आने की कोई जरूरत नहीं, पर चल मेरे साथ। क्या हुआ, क्या हुआ, किधर लेकर जा रहा है? बात क्या है, बोल तो सही। कुछ ना हो इसीलिए इसे गांव भेज रहा हूँ। इसे किधर लेकर जा रहा है? दुनियादारी ज्यादा हो गई है। लेकिन हुआ क्या है बताएंगे? मैं पूछूंगा रे, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। वो यहाँ जो कुछ भी करेंगे कोई नहीं पूछेगा। पार्वती, इसे कोई पूछे तो कहना गांव चला गया। और सुनो मत कहना, ये सुन, चल यहाँ से, पहले चल यहाँ से, चल। ए भरत बेटा सुनो, सुनो ए चंद्रा, ए भरत सुन बेटा, तुमने किस पर हाथ उठाया जानता है? ठाकुर साहब के आदमियों पर, वो कितने खतरनाक है जानता है? 20 सड़क पे आदमी को चीर देते हैं, ये क्या अपना गांव समझ रखा क्या? तेरे मन में आया वैसे लड़ लेगा। अपने गांव में मर्द रहते हैं, एक औरत को घसीट कर ले जा रहे देखकर खामोश नहीं रहते, सारा गांव एक होता है। एक भी बहुत बड़ा मर्द रह गया ना, तुझे लगा तू मारता रहेगा और वो घर बैठ कर रोते रहेंगे, किसी न किसी दिन तेरी जान ले लेंगे। इसलिए घर वापस चलते हैं, इससे पहले कि वो कुछ करे मैं उसे देख लेता हूँ। मार दूंगा अगर एक शब्द और बोला। मारना है तो उनको मारो, गलत करने वालों को सबक सिखाना चाहिए, ये बाबूजी ने सिखाया। मैं आपकी तरह खामोश नहीं रह। बात बंद कर। कहाँ है वो? ढूंढो इसको। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? भाई यहाँ नहीं है। नहीं है? इसलिए आकर यहाँ दादागिरी कर रहे हो? कहाँ है वो बता? क्या किया है उसने? ठाकुर के आदमियों पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो तुम? तेरा बेटा तुझे चाहिए तो भरत को हमारे यहाँ भेज देना, समझी? चलो रे। हिम्मत है तो उसको आकर ले जाने को बोल। आ, क्या है भैया ये? असल में क्या कर लेंगे? मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, लेकिन बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको पता नहीं क्या हुआ उनकी तबीयत को? मैं नहीं जानता हूँ क्या? सगे बेटे जैसी बात कर रहा है। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी चिंता तू मत कर। समझने की कोशिश कर रहे, तेरा रहना यहाँ सबके लिए खतरनाक है, उनके बारे में तू नहीं जानता। बाबूजी के लिए तू टेंशन मत ले रे, मैं हूँ, कुछ दिन रखकर तेरे पास भेज दूंगा। मेरी बात सुन, ट्रेन मिल जाएगी जल्दी जा, ले ये रख ले, संभल के जाना। इस शहर में उसकी पहचान वाला कोई नहीं है, उसकी जान को खतरा है ये जानते हुए भी उसे अकेला छोड़कर आता है। तू आदमी है कि जानवर? वो मेरा सगा बेटा ही नहीं, सगा बेटा से भी बढ़कर है, तेरे से भी ज्यादा है। वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, अपने गांव में ही नहीं आसपास के गांव में भी। शिवराम कृष्णन का एक ही लड़का है, उसका नाम है भरत मालूम है, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, ये बात गांव वाले तो क्या मैं भी नहीं मानता रे। उसे जब मेरी बीमारी के बारे में पता चला, अपने सारे काम छोड़कर मुझे लेकर वो यहाँ पर आया। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता, उसका मन भी मुझ पर ही लगा होगा, उसके पास ही चला जाऊंगा, उसके पास ही मर जाऊंगा। भारत को भेजे बिना वो तेरे बेटे को वापस नहीं करेंगे, ये क्या कर गए वो लोग? अब क्या करोगे बोलो? यदि मेरा भरत होता तो तेरे जैसा इस तरह से बैठकर रोता नहीं। अपनी मूछ पर ताव देकर जाकर बच्चे पर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़कर अपने बच्चे को वापस लाता। वेंकटेश्वर जी, क्या है भरत? ठाकुर कहाँ मिलेगा? ठाकुर साहब क्यों? चलिए Hey!
रही है भारत। तू बहुत बड़ा मर्द समझता है ना, अपनी मर्दानगी वहां पर दिखा और बच्चे को लेकर जा। तेरी बहादुरी पसंद आई मुझे, तेरी हिम्मत तेरी ताकत पसंद आई। आज से तू हमारे साथ काम करेगा, करना पड़ेगा। ये हिम्मत मुझे मेरे बाबूजी की परवरिश से मिली है, ये ताकत खेत में हल जोत कर मिली है। मुझ जैसा इंसान किसी के टुकड़ों पर पले मुझे मंजूर नहीं। तेरी ताकत पसंद आई, तेरा इस तरह खेतों में पौधा लगाना और हल चलाना मुझे पसंद नहीं है। शेर जैसे मेरे साथ रहो, शेर जैसे। ए, पिंजरे में रहने वाले शेर में और बाजार में घूमने वाले कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। ठाकुर, मैं तेरे पाले हुए कुत्ते की तरह तेरे पास नहीं रह सकता। तेरे इशारे पर भौंकने और काटने की नौबत मेरी नहीं आई है। ये गोदावरी घाट का शेर है। तू चाहे कुछ भी सोच, उससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तू मेरे पास काम करेगा तो तेरा नाम होगा, जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा, लोग तुझे देखकर डरने लगेंगे। अरे पागल, हमें देखकर लोगों को डरना नहीं चाहिए, प्यार करना, इज्जत करनी चाहिए। लोगों को डरा धमका कर नाम कमाना, ये सब मुझे नहीं चाहिए, समझा? नाम इज्जत से कमाया जाता है। लोगों की मेहनत से, अपने खून पसीने से एक करके कमाए हुए धन को जबरदस्ती से छीनकर उस पर ऐश करना मुझे नहीं आता है। पुलिस स्टेशन में गुंडों को दी गई इज्जत, कोर्ट में लगाई गई चार्जशीट, इन सब से मुझे नफरत है। अगर रास्ते में कोई अड़चन ना आए तो जानवर भी कुछ नहीं करता है। अरे पेट पर लात मारोगे तो गरीब इंसान भी कसाई बन जाता है। फिर कभी मुझे उकसाना मत, तेरी जान को खतरा हो सकता है। खबरदार, अरे जाओ भाई जाओ, चिता पर लेटने को तैयार हो और तुझे भी ऑटो चाहिए। एक काम कर, उधर खड़ा हो जा, हवा आएगी तो डायरेक्ट स्टेशन पहुंच जाएगा। बकवास बंद कर, तू चाहिए तो मीटर से ज्यादा पैसे ले लियो। चूहों को छिपकली को मीटर डालना बंद कर दिया हूँ, चाहिए तो थोड़ी देर बाद कस्टमर आएंगे और उनके बीच बैठकर चले जाना।
मेरे अकेले को नहीं चाहिए, मेरे सेंस भी हैं, उन्हें स्कूल छोड़ना है ना। तेरी पर्सनालिटी को सेंस भी है? ओ वेंकट रामायण सेंस, जैसा बिल्डअप क्यों दे रहा है, वैसे एक मक्खी को दो मच्छर को नहीं ले जा पाऊंगा। बुला, बुलाता हूँ ना। ए बच्चो इधर आओ। अफ्रीका के हाथी के जैसा तेरा छोटू है क्या? अपनी मनुष्य नजर मेरे बच्चों को मत लगा, अभी तेरे को दिखाता हूँ। अरे छोटू देख, इसको देख, मेरे बच्चे। अरे बाप रे, क्या रे? दो हाथियों को स्कूल का ड्रेस पहनाकर उसको बच्चा बोलता है तू? अरे रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। ए रुक जाओ, तुम लोग मेरे ऑटो में मत बैठो, अभी अभी नया नया खरीदा हूँ मैं। तुम लोगों को तो शिपयार्ड गुड्स में जाना चाहिए। तुम लोग मत आओ भाई मेरे। धीरे धीरे संभल कर धीरे। बाबू अपने खाने संभालना बेटा, संभालना, वक्त खत्म हो रहा है। गाड़ी में चढ़ो, चढ़ो आराम चढ़ो। हाँ चढ़ो बेटा। पापा। हाँ बेटा, तुम कुछ चिंता मत करो, तुम दोनों ऐसे ही बैठे रहना, तुम ऑटो से नीचे नहीं उतरना। हाँ ठीक है बेटा, ऑटो वाला आएगा, तुम चिंता मत करना। हाँ मैं यहीं पर हूँ मैं। मेरा ऑटो। अरे मेरे ऑटो का तो हेडलाइट भी नहीं दिख रहा है, नेम प्लेट भी नहीं दिख रहा है। अरे मेरा ऑटो। अरे चलो गाड़ी चलाओ। ये क्या चलाने का है? मैं ऑटो वाला हूँ समझ कर ये बोलता हूँ, मैं अभी तेरा बताता हूँ। मेरा काम हो चुका है मंजू, कल ही गांव जा रहा हूँ। आज खुद ही हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो कैसे होगा भरत? मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाबूजी यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। कैसे भूल पाऊंगा? हम अग्नि को साक्षी मान के साथ साथ रहेंगे, मन को साक्षी मान के जन्मों तक साथ रहेंगे। मैं जल्दी वापस आऊंगा, शादी करने के बाद तुम्हें अपना बना लूंगा। चांद हो तुम ए दिल नशी, आसमानी परी हो तुम जमी की नहीं। ये गोरा रूप मेरा 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 तेरे लिए ही है जानम, ये भोलापन तेरा 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 भाग गया मुझको है जानम। जब बनाया होगा फुर्सत में होगा तब खुदा। मेरा ये शबाब आफताब कितना भी हो हसी बिन तेरे है पर अधूरा। चंचल शीतल तू फूलों की लता, तेरे सेवा न कोई दिल को जचता। ये गोरा रूप तेरा 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 मेरे लिए है जानम, ये भोलापन तेरा 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 भाग गया मुझको है जानम।
अप्सरा मेनका जन्नत है तू ही खुशबू का तू है गुलसिता मेरी आशिकी बंदगी है तुमसे ही तो छिपे है मेरे दो जहां देखा ना तुम सा देखे लाखों हसी रूप तेरा 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 मेरे लिए है जानम ये भोलापन तेरा 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 भाग गया मुझको है जानम चांद भी का चांद हो तुम ऐ दिल नशी आसमानी परी हो तुम जमी की नहीं हाय आज मैं लेट हो गई अरे थोड़ा क्या इसे मॉर्निंग वॉक नहीं दोपहर का वॉक कहते हैं सुनो ना सॉरी डियर गधा बनाया ना तुम्हारे लिए मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ समझ रही हूँ ना सब मेरे डैडी की वजह से उन्हें सुबह निकलना पसंद नहीं इसलिए दोपहर को निकली तुम्हारे डैडी वो कहाँ पर है आ रहे हैं अरे बेचारे चल बसे क्या अरे उधर देखो वहाँ मेरे सपनों की रानी ये है बहुत खुशी की बात है तुझ पर तेरे बाप की छाव नहीं पड़ी तुम पहले से जानते हो क्या इसे क्या तेरे भाई को भी जानता हूँ अपनी माँ पर गया क्या फिर तुम किस पर गई हो मार दूंगी हाँ मार देना अब मुझे क्या करना होगा वो हाँ कहेंगे तो अपनी शादी होगी तुम्हें पहले उन्हें पटाना होगा अरे पटाऊंगा तो फट जाएगा बहुत वीक है वो तुम कैसे पटाओगे मैं नहीं जानती ओके बाय सुबह से वेट कर रहा हूँ और ऐसा कर चली जा रही हो किसी भी तरह इंप्रेशन बढ़ाना होगा कहाँ जा रही है अरे बाप रे इसे तो शौक लग गया है मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसे पटाने के लिए मैं आ रहा हूँ ठीक ठीक तो जाएगा लगता है अरे हाथ पैर टूट गया तो क्या हो गया जान तो बच गई तेरी क्यों मार रहा है इसको चुप करो बिजली के खंभे के पास तड़प रहे थे मैंने जान बचाई नहीं तो कहानी सुना रहा है क्या तो वो पत्थर पर साफ कर रहा था ये मैंने देखा और तुम लोग उसको मारने लगे मारो साले को मारो मारो अरे बाप रे अरे बाप रे छोड़ दीजिए रुक जाओ नहीं तो मार दूंगा बेटा मर जाएगा अरे 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 मैं इसको पटाने जा रहा था ये मुझे ही फाड़ कर चला गया तू भी बहू को लेकर हमारे साथ चलता तो अच्छा होता रे शॉप छोड़ के नहीं आ सकता बाबूजी वैसे भी इसका स्कूल है भैया मेरी वजह से कुछ तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ हम दोनों के बीच में माफी कैसी रे इधर सब ठीक होते ही तुझे यहीं पर बुला लूंगा तू बेवजह उस ठाकुर के मुंह लग गया अरे कुछ नहीं करता तो क्या जाके उसके पांव में गिर जाता कहने का मतलब वो नहीं चुप भी हो जाओ अब जो होना था सो हो गया गाँव जाते समय भी ये सब क्या है हे छोटू को और बहू को संभालना ठीक है अरे बेटे तेरे पापा तो हमारे गाँव आने वाले हैं नहीं लेकिन तू अपनी माँ को लेकर आना ठीक है दादाजी हाँ। भरत हाँ? ये ट्रेन में खा लेना अपने आप को संभालना ठीक है भाभी क्या कर रहे हो छोड़ो छोड़ो भरत चंद्र क्या हो रहा है सब कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा दादा भाग चुप कर दिया भरत बाबूजी ठाकुर के आदमी है अरे दरवाजा खोलो मत मारो मेरे बेटे को मत मारो मेरे बेटे को छोड़ दो मेरे बच्चे को मत मारो रुक जा मेरे बच्चे को मत मारो बाबूजी, 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 बाबूजी।
मेरे भाई को छोड़ दो। ठाकुर साहब आ गए। बाबूजी, नहीं बाबूजी, मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं बाबूजी, उसके सामने मत झुको। मेरे बच्चे को मत मारो, छोड़ दो उसे भाई, छोड़ दो भैया उसे, छोड़ दो। बाबूजी मत मारो, छोड़ो छोड़ो मुझे। ए भरत, तेरा बाप कुत्ता है, कुत्ता है रे। शेर जैसा तुझे मेरे पास रहना पसंद नहीं था ना, अब तू देख तेरा बाप मेरे पास कुत्ते जैसा पड़ा है। नहीं समझ लीजिए बाबू, लेकिन मेरे बच्चे को समझना क्या रे, कुत्ता ही है, कुत्ते के जैसे मेरे पैर के जूते की धूल अपनी जीभ से चाट कर साफ कर। ठीक है, ठीक है। बाबूजी देखा ना, इस बलवान ठाकुर की पावर। हाँ, चील तो लाश खाती है, पर ये ठाकुर लाश नहीं जिंदा आदमी को खाता है रे। तुझ जैसे कितनों को मजा चखा कर इतना बड़ा आदमी बना हूँ, उसी दिन तुझे मारता तो वो मौत तेरी हिम्मत को बढ़ावा नहीं देती। आज तेरी हिम्मत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाती। दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए, गीदड़ को तो छोड़ देना चाहिए, पर तेरे जैसे इंसान की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। तुझे हीरो समझने वाली इस कॉलोनी में सबके सामने तुझे बेइज्जत कर दिया। अब तू ये कॉलोनी छोड़कर चला जा, वरना तेरे मौत के साथ साथ इस कॉलोनी वालों को भी मौत का तांडव दिखाऊंगा, इस कॉलोनी का नाश कर दूंगा। अब यहाँ इंसान नहीं चील कौओं का बसेरा होगा, यही मेरी आखिरी चेतावनी है। जा रे, जाकर अपने बेटे को समझा। मैं जीना चाहता हूँ, जिंदगी के आस से नहीं। मैं मर जाऊंगा तो न जाने तू गुस्से में और क्या करेगा इस डर से। बेटा, युद्ध में जीतने वाला तो सिर्फ राजा होता है बेटे, लेकिन गुस्से को जीतने वाला महात्मा होता है। तुझे उस ठाकुर को मारना नहीं है बेटा, लोगों के अंदर से उसके डर को मारना है। अगर ऐसा करोगे तो उस ठाकुर जैसे कधे को अपने आप ही हमारे इस समाज से भाग जाना पड़ेगा। आंख खुलेगी तो जन्म है, आंख बंद करो तो मरण है। पलक झपकने की इस बेला में जिंदगी में आस रहनी चाहिए, लेकिन जिंदगी के प्रति मोह नहीं। ये सारी जनता को समझा दो, परेशानी आने पर तुझ जैसा कोई भरत आकर उनका सहारा बनेगा, ऐसा सोचना उनकी आदत बन चुकी है। ये सोच इंतजार करना जनता की आदत हो चुकी है। उनके लिए अब कोई सुभाष चंद्र नहीं आने वाला है, अपने घर की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, ये इस जनता को बता दो। ठीक है बाबूजी,
ठीक है बताऊंगा। बाबूजी, 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 बाबूजी। अपने घर की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, ये इस जनता को बता दो। आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। कैसे भूलेंगे हम गोद में तुम्हारी खेले, हमें तड़पाएंगे जीवन भर यादों के मेले। कैसे जिएंगे तुमको इस तरह से खोगे हम, हाँ बस यूं ही रोएंगे तुम्हें याद करके हम। आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। ए, इनको किसी ने भी मदद की तो उनका हाल भी यही होगा, समझ गए ना? इस लाश को म्यूनिसिपालिटी वाले आकर लेके जाने चाहिए, अगर यहाँ के लोगों ने किसी ने हाथ लगाया तो सारे के सारे मारे जाओगे। चलो रे। भरत, युद्ध में जीतने वाला तो सिर्फ राजा होता है बेटे, लेकिन गुस्से को जीतने वाला महात्मा होता है। के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले, आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। कैसे भूलेंगे हम गोद में तुम्हारी खेले, हमें तड़पाएंगे जीवन भर यादों के मेले। मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे लिए सब कुछ वही थे, अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो सिर्फ मेरी जिंदगी में अंधेरा है। आज खुद ही हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो कैसे होगा भरत? अगर तुम यहाँ नहीं होते तो ये कॉलोनी भी नहीं होती। हम सब तुम्हारे भरोसे हैं, हमेशा हम लोगों की मदद करने वाले तुम देवता हो भरत। ए! कौन हो तुम लोग? हम इसी कॉलोनी में रहते हैं। क्या है? रोड पर रोमांस कर रहे हो क्या? सर, आज चिड़िया को भास कर लाया है रे, चल पुलिस स्टेशन चल, चल। सर, आप गलत सोच रहे हैं, ये लड़की और मैं। तू और ये लड़की नाइट के धंधे पर निकले हैं क्या? नहीं, तूने इसे नाइट के लिए बुक किया है। ए, चल, चल पुलिस स्टेशन चल। छोड़ दो भरत, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूं? मेरी आंखों के सामने तुम पर हाथ उठा रहा है, देखकर चुप नहीं रहूंगा, चीर के रख दूंगा। भरत, वो पुलिस है। क्या पुलिस है? क्या ये पुलिस जैसा बर्ताव है? जो जी में आया बोलते जा रहे हैं। बीच सड़क पर दिन दहाड़े मैं और बाबूजी परेशान हो रहे थे, तब कहाँ गई थी ये पुलिस?
वो ठाकुर का पैसा खाकर सर छिपाकर घर बैठ गए थे क्या? ए बास्टर्ड! मेरे बाबूजी की गांव में क्या इज्जत थी जानती हो? उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। बिना मंदिर के भगवान थे वो, दिल में रखकर पूजा करते थे उनकी। और यहाँ पर उस इज्जतदार आदमी को कुत्ते जैसे घसीट कर लेकर गए, कुत्ते जैसे। तब ये पुलिस क्या कर रही थी? अब हम यहाँ चुपचाप बैठे तो हमें छेड़ रही है। सर, वो बहुत अच्छा इंसान है सर, उसे छोड़ दीजिए सर प्लीज। प्रॉब्लम वो नहीं है, असल प्रॉब्लम है ठाकुर। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे ठाकुर से लड़ने के लिए रोकना चाहिए। ठाकुर साहब के पास काम करने के लिए उसे मनाना होगा। नहीं मनाई तो देखा अब क्या हो गया, चमड़ी निकल कर खून बह रहा है। उसी दिन ठाकुर साहब की बात मान जाता तो आप जैसे ना हा? तुमसे तो बाजार में जिसमें बेचने वाली औरत ज्यादा महान होती है। सरकार का पैसा खाकर ठाकुर के कुत्ते बनकर रहते हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सुनाएगी? देख कैसा केस ठोक कर उसे अंदर करता हूँ। देख 7 साल बराबर 7 साल बाहर आने के लिए तरसता रहेगा। उसे ही नहीं तुझे भी अंदर कर दूंगा। ए, इसे लॉकअप में डालना है। कहाँ है? FIR दर्ज करो। लिख, केस लिख, तेरे रजिस्टर में लिख। लिख कांस्टेबल ने मेरा हाथ पकड़ा, ये कहाँ का न्याय है? ये उससे पूछा तो उसे पुलिस स्टेशन में लाके उसे मार रहे हैं। ए, लिखना। ये बताने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आई तो तुमने नशे में मेरा रेप करने की कोशिश की। मैं बच के भाग रही थी तो तुमने मेरे कपड़े फाड़े। हा? ऐसे। ए, रुक जा, क्या है ये? लिख, कुछ देर में साक्षी बनकर मेरे कॉलोनी वाले आएंगे और आंखों देखा हाल बताएंगे। लिख, लिखना। ए, 420, प्रॉब्लम उधर नहीं, प्रॉब्लम इधर है। उसे छोड़ दो। ऑटो वाला कहाँ गया? आ? क्यों जी, ऑटो चाहिए क्या? मुझे दोगे तो आप क्या करोगे? खुद का ऑटो नहीं है लेकिन मीटर से चलता है। शॉर्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं ना? हाँ कह रहे हो, लेकिन जाना कहाँ है? नहीं जाना नहीं है, ऑटो यही खड़ा करना है। चाहिए तो मीटर ले ले। साइड डोर्स तो है ना? अरे साइड डोर का बीच का भी डोर है, वैसे इतना डिटेल्स क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी शेयर करेंगे ना। करेंगे बोलो। उनको स्मोकिंग नहीं जमती, आप वहाँ जाकर स्मोकिंग करेंगे प्लीज? ठीक है, आराम से चलाइए, कोई जल्दी नहीं है। यही अपना फर्स्ट नाइट है। प्यार चल रहा है? तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? प्यार करने के लिए मेरा ऑटो कोई पार्क है क्या? अरे भाई भाई, मीटर से 100 रुपए ज्यादा दे दूंगा मैं। और मुझे? अरे हाँ, तुझे भी दे दूंगा। सेटअप के लिए ये जगह नहीं, इससे भी अच्छा जगह है। फुल डबल नाइट, डबल बेड है। ओके, डबल बेड मतलब तू भी रहेगा क्या? इतने गंदे इरादे नहीं है। अच्छा हुआ मैं बच गया। चले क्या? चलिए फिर। काफी अच्छा है यार, फैन है, फोन है, गजरा है, इतना सब कुछ किसके लिए किया है यार? आपकी रक्षा के लिए सर। रक्षा कह रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? जी, कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, एसी होता तो बहुत अच्छा होता। एसी क्या जी, अपने आप आ जाएगी। अरे दरवाजा बंद कर दे। ठीक है, जोर से बंद कर देता हूँ। ए, क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं नहीं, वो कर रहे हैं। देखो मेकअप खराब हो जाएगा, ये सोच रही हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी सिस्टर है सर। सर ये बड़ा ट्रांजिस्टर है। ये इतनी बड़ी बात बोलने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो किसी पार्क में जाकर बातें करते हैं। क्या रे, पुलिस जीप को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है? इसे इस्तेमाल करते हुए हम खुद डरते हैं। मच्छर है ना सर? और मारिए सर, और मारिए, और मारिए, और मारिए, और मारिए, और मारिए, और मारिए सर, और मारिए, छोड़ना मत, और मारिए। मार दूंगा, ठीक से बैठ, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? ठीक से बैठ। ये क्या पोज़ है रे? ये क्या पोज़ है? दर्द करता है। तू क्यों नहीं बता रे? हैं? तुझे क्या हुआ है? ऐसा क्यों बैठा हुआ है रे? हैं? सुनाई नहीं देता क्या? तेरी तो। ए तू ऐसे क्या बैठा हुआ है रे? कमर में दर्द हो रहा है। एक लात मारूंगा तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है रे? शर्ट फट गया क्या? नहीं तो ठीक है। तू क्या खाना खाने के लिए बैठा है क्या? मेरी पैंट पड़ी क्या? अंदर अंडर भी अभी नहीं पहना है। अरे कुछ नहीं हुआ क्या रे? शॉप खोल कर बैठ गए?
धंधा करने का पूरा इरादा है। वो कोर्ट का ऑर्डर। अरे कोर्ट क्या रे, कोर्ट क्या रे, भाई से बढ़कर है क्या कोर्ट? भाई ने जब एक बार बोल दिया उसके बाद भी तुम कोर्ट ऑर्डर की बात करते हो, मतलब तुम सबको सींग सींग लग गया है क्या? इतनी हिम्मत हो गई तुमको? हिम्मत कैसे, घर पर बीवी बच्चे भूखे रहेंगे तो वो क्या खाना खाएंगे बताइए आप? अरे हमको हमको मुझे तुम सब इतनी परेशानी झेल रहे हो इसलिए खाली करने को कहा है। वैसे खाली पेट भूखे मरने से तो अच्छा है जॉब खाली करके कहीं ना कहीं चले जाओ। तेरा नाम क्या रे? वीरभद्र राव साहब। वीरभद्र राव सर? वो ऐसे ही है सब, आपको नहीं पता चलेगा। क्या रे, इसको समझा दे। शॉप का नंबर क्या है? होटल है। 10-20 दे दो। मतलब काफी बड़ा है, इतना कम क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा और कम करने को बोल रहा है? आप तो और नीचे बोल रहे हो। अच्छा इससे भी कम करने को बोल रहा है? चल 5 लिख ले इसका। अच्छा चांस मार रहा है। ऐसे बात करने को किसने बोला यार? कल से अगर किसी ने भी अपनी दुकान का शटर खोला तो उसकी लाइफ का शटर बंद कर दूंगा, समझे? ये क्या गिलास था क्या? अरे बाप रे, चलो जल्दी से, चलो जल्दी से। कुछ नहीं है। अरे अरे ये आवाज कैसी है? अरे अरे कैसी आवाज है? अरे अरे ये कैसी आवाज है? अरे बाबा यहाँ रुकोगे तो और कोई भी आवाज आने लग जाएगी, पता नहीं। चलो यहाँ से निकलो रे। भैया ये क्या आप दुकान के पास आकर बैठ गए? आपने शराब पी है? पी है रे, दुकान हमेशा बंद करके रखना मुझसे नहीं होगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ तो पी। कल मैं भी तेरे साथ गांव चलूंगा। तो ये दुकान घर ये जगह छोड़ दोगे? अब यहाँ हमारा क्या है रे? कुछ नहीं है, सब खो दिया, इसलिए गांव जाकर वहां पर मैं तेरे साथ खेती बाड़ी करके ही जीना है सोच लिया। तो जैसे डरपोक को कहीं नहीं देखा क्या रे? भी मैंने नशे में तो हुआ। मतलब कोई आपको दुकान बंद करने को बोले तो सब कुछ बंद करके मेरे साथ गांव चलोगे क्या? कल को कोई और आकर अपनी जमीन और खेत छोड़ने को बोलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? मुंह बंद कर, बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहा है। मैं यहाँ इज्जत से जिंदगी जी रहा हूँ, तेरे जैसे गुंडागर्दी नहीं करता। हक के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो गांधी जी और बाबू जी भी गुंडे लोग थे। हक हक हक, ये बात किताबों में अच्छी लगती है। यहाँ अगर जीना है तो खुद की अपनी पहचान बनानी होगी या उनके साथ हाथ मिलाना होगा। उस ठाकुर की नजर आपकी दुकान पर पड़ी है तो आप उसे छोड़ रहे हैं, वही नजर आपकी बीवी पर पड़ी तो इस दुकान की तरह अपनी बीवी को भी छोड़ दोगे क्या? थोड़ी तो शर्म कर रहे, वो मेरी पत्नी है और तेरी भाभी है। बस वही समझा रहा हूँ कि जैसे आपकी पत्नी आपकी है वैसे दुकान भी आपकी है। जिस तरह आपकी पत्नी आपके भरोसे रहती है उसी तरह आप भी दुकान के भरोसे हो। डरने की भी कोई सीमा होती है, अगर एक बिल्ली को भी कमरे में बंद रखो तो वो भी शेर बन जाती है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप उस महान व्यक्ति के बेटे हो जो हिम्मत से जिया है। ऐसे घुट घुट के जीना भी कोई जीना है? ऐसे घुट घुट के जीने से तो मरना अच्छा है। सुनो, ये नीचे जो जमीन दिख रही है ना, ये भी अपनी माँ की तरह है। अगर वापस वो इस जमीन पर पांव रखेंगे तो वो अपनी माँ का अपमान होगा, याद रखना। चलता हूँ मैं। अरे तूने दुकान क्यों खोली है? मेरी एक बात सुनो, मैंने एक फैसला किया है, चाहे मुझे मरना पड़े लेकिन शॉप बंद करके घर नहीं बैठूंगा। मतलब तुम शॉप खोल के हम सबको मरवाओगे क्या? देखो चंदू, हम लोग भी शॉप खोलना चाहते हैं लेकिन तुम तो बात को समझते हो ना। इसने शॉप खोलने की हिम्मत की रे? ये शॉप किसकी है? अरे अरे, ये उनकी शॉप नहीं है, ये इनकी शॉप है। मेरी दुकान है, मैं खोलूंगा। तू कौन है रे बीच में बोलने वाला? अपनी दादागिरी अपने पास रख। इधर आ गया, क्या कर लेगा? तेरी हिम्मत हुई दुकान खोलने की? मेरे 3 गिनने तक। लेकिन तुम तो 4 दिखा रहे हो। मेरे 3 गिनने तक ये शटर गिरा के ताला बंद करके चाबी मेरे हाथ में दे दे। तो 3 दिन नहीं आओगे क्या? तो मैं पूरा का पूरा सर तोड़ डालूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। तूने मुझे मारा रे? मार मार रे, मार रे। ए, एक बात ध्यान से सुनो, हम दोनों की लड़ाई के बीच में कोई नहीं आएगा, समझ गए? तू मार रहे मुझे, मैं देखता हूँ। कोई बीच में नहीं आएगा, रहन दे, तू चालू रहे, मैं देखता हूँ तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। तुझे तो मैं लड्डू की तरह मसल के रख दूंगा। हिम्मत है तो मार ना, मार।
ए, तू यही रुक, मैं 5 मिनट में अपने आदमियों को लेकर आता हूँ। माँ कसम आता हूँ रे, तू यही रुकना, तेरा चैप्टर तो मैं आज यही क्लोज कर दूंगा। तू यही रुकना, ए, मुझे मारा ना तूने, तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। सुनो, उन गुंडों के बारे में तुम जानते हो ना, अपनी दुकान बंद कर देते हैं। अरे तुम चुप रहो ना यार, आने दो उनको, देखते हैं क्या उखाड़ लेगा। भाई वही है। अरे ये क्या भाई, ये अपनी तरफ तलवार लेकर क्यों आ रहे हैं? भाई वही है, वही है, मार दो इसे। अरे बाप रे, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, एक ही मार में गिर गया। वापस इसे कॉलोनी में नहीं आऊंगा, अरे नहीं आऊंगा इस कॉलोनी में, क्या इस शहर में नहीं आऊंगा। अभी देख क्या रहे हो तुम लोग, अपनी अपनी शॉप खोलो, चलो। हाँ तुझे क्या है, तुझे बचाने वाला तो तेरा भाई है, ऐसे सबके पास भाई होते तो एक के पास चार चार दुकानें होती। क्या भाई भरत, तेरे जैसे और भी कोई गांव में हो तो उन्हें यहाँ लेके आ जा, चाहे तो चंदा निकाल कर उनकी पगार दे देंगे। खाने की चिंता तुम मत करो, खाना मेरी तरफ से रहेगा। हाँ उनकी तबीयत बिगाड़नी है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो, ये अपनी जगह है, अपनी शॉप है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी अपनी शॉप खोल लो, जाओ ना। हाँ कुछ बोलने जाओ तो ये सब उल्टा बोलते हैं, कल वो लोग आएंगे और अपनी पिटाई करेंगे, और पुलिस भी आएगी तो कुछ नहीं बोलेगी, उल्टा हमें ही जेल में भेजेगी, समझे तुम लोग। स्कूल से मेरी लड़की गायब हो गई है, फोटो भी कंट्रोल रूम में भेज दी है, सारे शहर को अलर्ट कर दिया है। हाँ डीएसपी जी से मैंने बात कर लिया है, होम मिनिस्टर से भी अभी बात करता हूँ। हाँ सब होशियारी से काम करना, मेरी बेटी मुझे चाहिए। कुछ भी करके मुझे मेरी बेटी ला दो। बेबी को कुछ भी नहीं होगा, तुम बेकार की टेंशन लेके मुझे टेंशन मत दो। मैं तो पहले से ही आपको कहती आई, एक दिन आपके सारे पाप हम सबको भुगतने पड़ेंगे, मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा। अपना मुँह बंद कर, अपनी बेबी को कुछ भी नहीं होगा, सारा डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा है, बेबी जरूर वापस आ जाएगी। नहीं आएगी, तेरे पापों की सजा उसे मिली है, मार दिया है उसे। झूठ, मैं नहीं माना। बिना सबूत के पुलिस कोई बात नहीं मानती, देख। कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, पोस्टमार्टम करना होगा, केस बनाना होगा, इतना ही है ना इंस्पेक्टर? ऐसे हर रोज कितने लोग कुत्ते की मौत मर रहे हैं क्या तुम जानते हो? क्या उनके लिए एक केस भी दाखिल किया है? अपनी बेटी का खून देखने के बाद अब तेरा खून जल रहा है? अपनी बेटी को मारने वाले को अब तुम मारना चाहते हो? मुझे रोज ऐसा ही लगता है, हम पर अन्याय करने वाले को इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। मुझसे गलती हुई, मुझे मारना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को क्यों मारा? क्यों? उस बैनर्जी ने अपनी जगह छोड़कर जाने से इनकार किया तो उसे मार डाला। उनकी पत्नी आपसे न्याय मांग के पागल हो गई, पर न्याय नहीं मिला। गरीब लोग आपके पुलिस स्टेशन पर आते हैं न्याय मांगने, पर उन्हें न्याय कभी नहीं मिलता, हमेशा उनके साथ अन्याय होता है। क्यों? आप लोग कानून के रक्षक हो और लोग आप पर भरोसा करते हैं, पर आप अन्याय करते हो, क्यों बताओ? क्यों? क्रिमिनल्स और आप में कोई फर्क नहीं रह गया है, इसलिए लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस ऑफिसर एक लुच्चे को सपोर्ट करते हैं। देख आज तेरे पापों की सजा, आज तेरी बेटी को भुगतनी पड़ी है। भगवान, ये सब देखने के लिए मैं अब तक जिंदा हूँ, मुझे मौत भी तो क्यों नहीं आती? जिस दुख को महसूस करके आज तुम सोच रहे हो तुम्हें मरना चाहिए, वो दुख हम हर रोज महसूस करते हैं। बेटी। इंसानियत भूलने वाले को इंसानियत याद आ जाए, इसलिए आज मैंने आपके सामने ये घिनौना नाटक किया। भरत, मुझ जैसे आदमी को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। वर्दी पहनते वक्त कितनी कसमें खाई थी, लेकिन एक भी नहीं निभाई। अब मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, चाहे मेरी जान भी चली जाए, न्याय के लिए लड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब वो ठाकुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। Thank you. Hey!
किसने चुराया जिया दिल मेरा वापस जो लाए पाए मेरे लाख दुआ कौन है वो दिल का जो चैन भी मेरा ले गया जो कहाँ है वो कैसा है वो अब जरा सामने आए तो वो ओ बाबूजी ढूंढो मेरा दिल जाने किसने चुराया जिया दिल मेरा वापस जो लाए पाए मेरे सब हमें दीवाना करते हैं प्यार हम चोरी नहीं राजी से दिल दे दो मेरा वरना ले जाऊंगी थाने में ओए ना करना नादानी ओ हसीना टकराना हमसे तू अनजाने में तू है जवान मैं हूँ हसी तूने चुराया दिल मान भी ले दिल की मेरे है ये रानी चाहत है मेरी जान भी ये जी ढूंढो मेरा दिल जाने किसने चुराया जिया दिल मेरा वापस जो लाए पाए मेरे लाख दुआ अवतार ये आया है बनके ये मसीहा सबसे ही करता है तो प्यार ये सबको ही हिम्मत इससे मिले राहों पे सच की ये तो चले किसमें है दम जो इससे लड़े साथ है सब इसके खड़े हारा नहीं वो तो कभी हाथों से हाथ जिसका मिला तुम जो रहो साथ मेरे जीत का चलता रहे सिलसिला बाबूजी ढूंढो मेरा दिल जाने किसने चुराया जिया ओए दिल तेरा वापस जो लाए पाए तेरी लाख दुआ यही है वो दिल का जो चैन भी मेरा ले गया जो यहाँ है वो ऐसा है वो अब मेरे सामने आया है जो ओ बाबूजी मिला मेरा दिल तूने ही तो दिल चुराया मेरा ओए हाय दिल तेरा वापस जो लाए पाए तेरी लाख दुआ है ठीक हूँ रे आज गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा जाना चाहता हूँ फोन कट कर रे एड़ा कहीं का श्रीनिवास यहाँ क्यों आए हो मेरे डैडी देखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे तेरे बाप को मार्केट में देख के आ रहा हूँ चलो वहाँ चल के बात करते हैं हाँ चलो नया सेल फोन लिया हाँ नंबर बताओ ना 9848012888 अब मजा चखाता हूँ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है बताओ ना अच्छी लग रही हूँ कितनी अच्छी लग रही हूँ अरे बाप रे क्या लाऊं सर ए डिस्टर्ब किए बिना कुछ भी लेकर आओ ठीक है सर ये लीजिए सर हेलो पुलिस कंट्रोल रूम है सर एक आतंकवादी हमारे होटल से दाऊद इब्राहिम से बात कर रहा है सर उसका फोन टेप कीजिए सर उसका सेल नंबर है 9848012888 सर हाँ
हेलो वतापिस काबोस किसको गिलगिली वता दाऊद इब्राहिम लेबनान इतिशा कबरी मुश्करवी हौ ओसामा बिन लाडन वता इराकी तेरान तेहरी कट काबुल सद्दाम हुसैन वता इंडिया से केरवा ताज महल तोरा बरन तो ये ता या फ्रॉम श्रीनिवास ऑटो वाला जिहाद ए ये ले जाकर उसके पास रख दे। अच्छा है ना? और क्या लोगी तुम? कुछ भी मंगाओ। चीयर्स। चीयर्स। पुलिस क्यों आ रही है यहाँ पर? तेरा बाप मार्केट में किसी को मारा लगता है इसलिए उसे लेकर जा रहे हैं। सोच मत हमारे लिए अच्छा ही होगा। ची ची ऐसा मत कहो। सच में मेरे पापा को अरेस्ट किया होगा सीनू। हाँ सर। मेरे ही कलर का यूनिफॉर्म है उनका, मैं मैनेज कर लूंगा। Are you Mr. Otto Srinivas? Yeah, with girlfriend. Oh, with girlfriend. इधर दो। ये क्या? गाना सुना रहे हैं? Hello, वतापिस। काबोस किसको गिलगिली वता? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम? वो सिटी में बहुत बड़ा टेलर है। लेबनान इतिशा। कबरी मुश्करवी। लगता है मुझे जानता है। ये तो मेरी आवाज है, मुझे नहीं पता चला। उसामा बिन लादेन काबुल तो सद्दाम में कोयला बेचता है ना। इराकी तेरान तहरी कट काबुल सद्दाम हुसैन वदा इंडिया से सद्दाम हुसैन तो हमारे गांव में मटन बेचता है। केरवा ताज महल तोरा बरन तो ये ता या ताज महल चाय बहुत अच्छी होती है। ये वॉइस तुम्हारी है? या इट्स माय ओन वॉइस। अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों से मिलकर तुम इंडिया के ताजमहल को उड़ाने का प्लान बना रहे हो क्या? मैं कम ऑन अरेस्ट हिम। मुझे सोने का पदक मिलेगा। सोने का पदक मुझे सोने का पदक मिलेगा जरूर जाएगी। ये क्या है? मुझे क्या कोई मौत की सजा मिली है जो मुझे इस तरह जंजीरों में जकड़े हैं आप लोग? Hey, shut up! अरे मैं इन जंजीरों में मर जाऊंगा, छोड़ दोगे तो ऑटो लेकर आ जाऊंगा। क्यों, स्टेशन को उड़ाने का प्लान है? कम ऑन मूव, ले चलो इसको, लॉकअप में बंद करो। अब नहीं हूँ। बहुत अच्छा हुआ, लेकर जाओ इसे सीधा स्टेशन ले जाकर अच्छी तरह पिटाई करना इसकी। आहा, आज से मेरी लड़की सेफ है। इसके पीछे किसका हाथ है जानते हो? मेरा हाथ है, मानता हूँ। हाँ। क्योंकि इतने दिन तक मैं तुझे स्लीपिंग पार्टनर ही समझता था, लेकिन एक्टिव पार्टनर है तू। आज समझा कि तू एक्टिव पार्टनर है। ससुर जी वो कैसे? और क्या, उसके जाने के बाद इसे शादी कौन करेगा? आ चल चलते हैं, स्लीपिंग का टाइम हो गया। ये क्या, ये किसी के साथ भी चली जा रही है? माँ पर गई है ना। ले रे, पुलिस और हम जब एक हो गए वो ठाकुर हमारा क्या कर लेगा? चाहे कुछ भी कहो, अब हमारी जिंदगी के अच्छे दिन आ गए हैं। मजा करो। अरे चंद्रू क्या हो गया है? यही जीना मरना सबको तो इतनी जल्दी क्यों मुंह मोड़ गए हैं? अभी लड़नी बाकी जंग हमें, क्यों मुझे अकेला तुम भी छोड़ गए? लेना है बदला भी उससे तो अब मुझको छीना है, जिसने भी मुझसे तुम्हें इस तरह आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। कैसे भूलेंगे हम गोद में तुम्हारी खेले, हमें तड़पाएंगे जीवन भर यादों के मेले। कैसे जिएंगे तुमको इस तरह से खोके हम, आंखों में देखे आंसू हमको तुम छोड़ चले, जीना सिखा के हमें मौत से रिश्ता जोड़ चले। चंद्रा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सुनकर भाई को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, इसीलिए वो खुद चलकर यहाँ पर आए हैं कि उनके परिवार को सांत्वना दे सके। इसकी हत्या का कारण ठाकुर ही है, यही सब सोच रहे होंगे, लेकिन सब जानते हैं ठाकुर जो भी करता है हिम्मत से करता है,
सबके सामने करता है। ये सब माथे की लकीर है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मरे हुए चंद्रा के परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मेरी तरफ से दे रहा हूँ। ये एक ठाकुर का वादा है, सरकार के जैसे 2-3 हजार नहीं, 1 साथ पैसा दूंगा। चंद्रा की मौत कितनी बेरहमी से हुई है देखा है ना तुम लोगों ने, इसीलिए तुम सबको अपनी जान अच्छी तरीके से बचाने की चेतावनी देता हूँ, वरना तुम सबको भी इससे भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। छोड़ो मुझे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू, तेरे सामने खड़ा हूँ मैं, उखाड़ जो उखाड़ सकता है। छोड़ दो मुझे, मेरे भाई पर हाथ डालता है तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। अरे हाथ क्या, मैं तो तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, कल सूरज उगने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा, समझा तू? कल सुबह तक क्यों, मैं तो अभी तुम सबको जला कर राख कर दूंगा। तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ। बाहर क्यों रे, अगर तुम सातों भाई एक ही बाप के बेटे हो तो यही फैसला कर लेंगे। आना मेरे कपड़े फाड़े तू। अरे कपड़े क्या, मैं तो तुझे ही पूरा फाड़ दूंगा। तेरे बाप को कुत्ता बनाकर मैंने अपने पैरों की जूती चटाया है रे, वैसे अभी तुझे भी पैरों की जूती चटाऊंगा। क्या हो भरत, इतना गुस्सा क्यों होते हो? गुस्सा नहीं करूं तो उसको सलाम करूं क्या? ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। ठाकुर से डरकर नौकर की तरह जीने के लिए मैंने खून पसीना एक नहीं किया है। अरे खून तो हमारा भी जलता है, लेकिन फिर भी हमने उसकी गुलामी कबूल की है। एक छोटी सी बात क्या बोल दी उस बैनर्जी ने, बीच सड़क पर काट कर फेंक दिया। तूने उनके आदमियों पर हाथ उठाया इसलिए तेरे बाबूजी और भाई को मार दिया। अब तो तूने उस दिन उसको मार कर उसके मुंह पर कीचड़ उछाला है, वो खामोश रहेगा क्या? हाँ बेटा, किसी भी वक्त वो यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार डालेंगे, यही सोचकर बीवी बच्चे सब डरते रहते हैं। आप जल्दी से वहाँ जाकर बेटा हमारे परिवार वालों को बचा लो, ठाकुर साहब के हाथ पैर जोड़कर। तेरे आने से पहले ठाकुर सिर्फ जगह के लिए परेशान करता था, लेकिन अब तो हमारी जान पे आन पड़ी है। तू मेहरबानी करके यहाँ से चला जा, हम सब तेरे हाथ जोड़ते हैं। चले जाओ बेटा, चले जाओ, जाओ बेटा, चले जाओ, जाओ बेटा, चले जाओ, चले जाओ, जाओ बेटा, जाओ, जाओ बेटा, जाओ, चले जाओ। बहुत खुशी की बात है, अगर मेरे जाने से आपकी जिंदगी में सुधार आता है तो ये शहर ही क्या, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। पर एक बात याद रखना, एक हाथ से मिट्टी उठाओगे तो फिर मुट्ठी भरी मिट्टी आएगी, और अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो एक ही दिन में, बस एक ही दिन में कुआं तैयार होके पानी आ जाएगा। उसी पथ पर चलकर हम सब एक साथ मिलकर उस ठाकुर से बदला लेकर अपनी जमीन वापस ले लेंगे। लेकिन तुम तो उसके पैरों की जूती बनकर जीना चाहते हो। ठीक है, कल भैया की अस्थियों को गंगा में बहाकर गांव चला जाऊंगा। हिम्मत वाला सिर्फ एक ही दिन मरता है, पर तुम जैसे डरपोक लोग हर रोज मरते हो, इसीलिए ऐसे ठाकुर लोग रोज पैदा होते हैं। मुंह पर गिरा हुआ कीचड़ इस गंगा जल से धोने से मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत पर जो कीचड़ उछाला है वो किस पानी से धुलेगा जीजा जी? हैं, धोना तो पड़ेगा ही। जरूर धो डालूंगा, लेकिन पानी से नहीं, उसके खून से। मुझे उसका खून चाहिए। मस्तम प्रक्षाल्य आजम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा पुनरस्तम प्रक्षाल्य यजमानस्य भ्रातुः अस्तिकनिमज्जनं करिष्ये।
वो वैसे भी गांव छोड़कर जाने वाला है, उसे माफ कर दो भाई। कल तक हमारा पैसा खाकर आज उसे सपोर्ट कर रहा है तू? आप पूजा जारी रखिए। छोड़ दीजिए भाई, वो वापस कभी नहीं आएगा। ये अकल भाई पे हाथ उठाने से पहले नहीं आई, चलो हट। मंत्र पढ़ते जाओ। भरत इस गांव में नहीं रहेगा, ये कार्य पूरा होते ही वो हमेशा के लिए अपने गांव वापस चला जाएगा, उसे छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे तो उसे मारने के बाद ही छोड़ेंगे, समझे तुम? कार्य मत रोकना। मेरे भाई को मारा, मेरे साथ हुए अन्याय के सामने तेरे भाई को मार दूं तो भी कम है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि मुझे ये सब रोकना है। मैंने कॉलोनी वालों को दिया हुआ वादा निभाना है, इसलिए मेरे दिल में भड़क रहे गुस्से और दुश्मनी को छोड़कर मैं अपने गांव जा रहा हूं। इसलिए तू भी अब सब रोक दे, वापस उस कॉलोनी में मत जा, इंसान बन जा, मुझे भी इंसान की तरह जीने दे। मुझे जानवर मत बना। ए, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? ए, अब मैं कह रहा हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, उसी कॉलोनी में रहूंगा। उस कॉलोनी में तेरे जैसे कुत्तों को ही नहीं कौओं को भी फटकने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो उस कॉलोनी में कदम रख कर दिखा, अपनी जान बचा ली तो मैं अपने बाप का बेटा। चाहिए जीजा जी, इसे यहाँ मार दोगे तो कॉलोनी में लोग इसकी मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे, आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाए, लोग आपसे फिर डरने लगे, वापस भरत जैसा कोई पैदा ना हो, इसलिए इस कुत्ते को इसी की कॉलोनी में जलाकर मारना चाहिए। रुको, तुम्हारे लिए लड़कर अपनी जान गंवाने वाले अपने नायक को देखो, ये वादा निभाने वाला इंसान है, मरते दम तक तुम्हारी कॉलोनी के लिए लड़ूंगा बोला, और ये मार खा खा कर अब अपनी जान गंवाएगा, मारो रे। उसे छोड़ दो। पानी पी लो। इसे ये जगह चाहिए थी ना, इसी जगह पर प्यास से ये तड़प तड़प कर मरेगा, इसे कोई नहीं बचा सकता। तू क्या ऐसे मारेगा? एक एक आदमी ने तेरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया, शर्म नहीं आती तुझे? बांध कर मारता है इसे, खोल के तो देख, एक भी आदमी नहीं बचेगा तेरा। तुम मर दो ना,
छे ना, तेरा हत्यारा और उसके भाइयों का झूठा खाना खाकर इतने साल यहाँ कुत्ते जैसा रहा, आधा नंगा रहा हूँ, अब कुर्ता पहनने का वक्त आ गया। उस भारत में ठाकुर को मारने वाले काल को देखा है मैंने। स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले मेरे बाबूजी को कुत्ते की मौत मारा ना तूने? ए, जूता चटाया ना तूने? भाग साले, भाग, ए, ए, भाग, भाग, भाग साले, भाग ना, भाग, लोगों को डरा कर तू और तेरे भाई ने क्या पाया रे? बोल क्या पाया? बोलना, बोलना। देख, कुत्ते से भी बदतर मौत है इसकी, कुत्ते से भी बदतर मौत है इसकी। ए ठाकुर, ए, अब देखा, बोलता था ना सब कुछ मेरा है, बोला था ना, देख, देख अब, बोल, 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 ये ले, ए, तुझे दफनाने के लिए यही जगह बना दूंगा, यही तेरी कब्र बना दूंगा, कब्र बना दूंगा, कब्र बना दूंगा, कब्र। चाचू।